आइए फिर से एक बार हम प्रभु के वचन की ओर जाएं, पुनः एकदा आम्ही देवाच्या वचनांकडे जाऊयात और प्रभु के वचन पर हम मनन करें। देवाच्या वचनांवरती आपण मनन करू। जब ये वचन को सीखते हैं तो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन, अपने सब विचार उस वचन में हम डालें। आणि जेव्हा आम्ही या वचनामधून शिकतो तो आपला आपला पूर्ण मन, पूर्ण अंतकरण आम्ही त्याच्यामध्ये टाकावं। इसलिए अपने मोबाइल को थोड़ा समय के लिए आप अलग कर दें। आणि म्हणून आपले मोबाइल काही समय करता तुम्ही साइलेंट वर टाका। की मोबाइल ऐसी चीज है जो मुझे वचन से भटका देगी। कारण मोबाइल एक अशी गोष्ट आहे जी मला वचनांपासून भटकवते। अभी आप बोलेंगे मेरे मोबाइल के अंदर बाइबल है। आणि मग तुम्ही म्हणाल माझ्या मोबाइल मध्ये तर बाइबल है। कोई बात नहीं, बाइबल आप मत खोले, मैं आपको बाइबल बताऊंगा। आणि काय हरकत नाही, बाइबल नाही उघडलं तरी मी सांगतो तुम्हाला। क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज आते हैं जो हमको डिस्टर्ब करते हैं। बरेचसे असे व्हाट्सअप मैसेजेस येतात जे आम्हाला विचलित करू शकतात। इसलिए अगर आप बाइबल को अपने हाथ में जरूर रखें। आणि म्हणून बाइबल तुम्ही तुमच्या हातामध्ये नक्की ठेवा। ओ मोबाइल वाली बाइबल नहीं, मोबाइल वाला बाइबल नहीं, ये वाला बाइबल जे आपले हातात आहे। आजकल एक चीज को मैंने देखा है कि आज लोगों के पास में बाइबल रखने के लिए भी एक एक लज्जा पद बात हो गई। आणि बऱ्याच लोकांना मी पाहतो की बाइबल सोबत ठेवणं त्यांच्यासाठी लज्जास्पद आहे। बाइबल मोबाईल में लेके घूमते, बाइबल मोबाईल मध्ये घेऊन। अच्छी बात है, मोबाईल में रखना चाहिए बाइबल। चांगलं आहे, मोबाईल मध्ये बाइबल असायला हवं। लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम चर्च जा रहे हैं। पण लोकांना माहित नाही पडणार की आम्ही चर्चला चाललो। बाइबल उठाए, लोगों के सामने उठाए और चलते चले, मैं आज चर्च को जा रहा हूं। बाइबल घ्या हातामध्ये, लोकांच्या समोर तुम्ही ते घेऊन चर्चला या। आमेन, आमेन। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे जीवित रह सकते हैं। आणि मी तुम्हाला सांगत आहे की आम्ही कसं जिवंत राहू शकतो। कई बार हमारे जीवन में ऐसी मरणप्राय परिस्थितियां आती हैं। बऱ्याचदा आमच्या जीवनामध्ये अशी मरणप्राय परिस्थिती येते जब हम पूरी तरह से निराशाओं में डूब जाते हैं। आणि जेव्हा आम्ही पूर्णपणे निराशेमध्ये जातो। आज इसका धर्मी जन प्रभु कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आणि परमेश्वराचं वचन सांगतं की माझा नीतिमान मनुष्य विश्वासाने जगेल। अगर आपको विश्वास, आपको जीवित रहना है। आणि जर तुमचा विश्वास जिवंत असायला हवा। 365 दिन साल में, 365 दिवस वर्षाचे। अगर आपको जीवित रहना है, तो तुम्हाला जिवंत राहायचे। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मी शारीरिक गोष्ट नहीं कर रहा, आत्मिक तौर से भी, मी आत्मिक तरेने बोलत आहे। हमारा मन कई बार निराशा से घिर जाता है। आमचं मन कितीतरी वेळा निराशांनी घेरलं जातं। हमारा आत्मा कितनी बार निराशाओं में चला जाता है। आमचा आत्मा कितीतरी वेळा निराशेमध्ये जातो। इसलिए दाऊद को बोलना पड़ता है कि हे मेरे प्राण, हे मेरे आत्मा, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आणि म्हणून दाविदाला असं म्हणावं लागलं, हे माझ्या जीवा, हे माझ्या अंतर्यामा परमेश्वर धन्यवाद। वो अपने खुद को उत्तेजित कर रहा है, स्वतःला उत्तेजित करत आहे। वो ऐसे समय में उत्तेजित कर रहा है जब पूरी तरह से वो एकदम मर चुका है। आणि अशा वेळेला तो स्वतःला प्रोत्साहित उत्तेजित करत आहे ज्यावेळेस तो पूर्णपणे मेलेला आहे। उसको उत्तेजित करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। त्याला उत्तेजित करण्यासाठी कुठलाही व्यक्ती नाही आहे। कोई भी उसके साथ में नहीं है। आणि कोणी त्याच्या सोबत नाही आहे। लेकिन फिर अपने आप को उत्तेजित करता है। आणि तरी देखील तो स्वतःला उत्तेजित करत आहे। वो अपने आप को कहता है कि हे मेरे प्राण, हे मेरे आत्मा, परमेश्वर को धन्यवाद कर। हे माझे जीव, हे माझे अंतर्यामा, तुम परमेश्वराचा धन्यवाद वो कर। कब ऐसा कह रहा है? आणि तो केव्हा असं म्हणत आहे? जब वो पूरी तरह से मृत्यू के खाई में वो चला गया है। जब तो पूर्णपणे मृत्यूच्या दरी मध्ये गेलेला आहे। जब प्रतिदिन निराशाओं में डूबा हुआ है। जब पूर्णपणे निराशा मध्ये बुडालेला आहे। जब उसके पास में कोई व्यक्तिमत्व नहीं है। जब त्याच्याकडे कुठलंही व्यक्तिमत्व नाही आहे। जो उसे कह सके, जो उसका साथ दे सके। जो त्याचा साथ देऊ शके। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आपको इस दुनिया में अगर कोई नहीं है, लेकिन जब आप कहेंगे कि हे मेरे प्राण, हे मेरे आत्मा, परमेश्वर का धन्यवाद दे, और मेरा खुदा जो जीवित खुदा है आपको उत्तेजित करने के लिए जरूर नीचे उतर आएगा। आज जर तुमची अशी परिस्थिती असेल की तुमच्या सोबत असणारा, तुम्हाला प्रोत्साहित करणारा कोणी नाहीये, तेव्हा तुम्ही जेव्हा म्हणाल की हे माझ्या जीवा, हे माझ्या अंतर्यामा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर, माझा परमेश्वर नक्की तुमचं मन, तुमचं हृदय प्रोत्साहित करेल। इसलिए कभी भी निराशाओं में जब हम चलते हैं, आणि म्हणून जेव्हा आम्ही निराशांमध्ये चालतो, तब हम प्रभु को धन्यवाद देना ना भूले। त्यावेळेला आम्ही देवाचे आभार मानणं कधीच विसरू नये। तब हम जीवित रह पाएंगे। तेव्हाच आम्ही जिवंत राहू शकू। और प्रभु कहता है कि मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। आणि परमेश्वराचं वचन सांगते की माझा नीतिमान मनुष्य जिवंत राहील, हमेशा जीवित रहेगा। आणि नेहमी जिवंत राहील, कोई भी परिस्थिती उसको मार नहीं सकते, कोणतीही परिस्थितीला मारू शकणार नाही। पड़ोसी को बोलना कि आप जीवित रहेंगे, हाथ में हाथ डालकर बोलना आप जीवित रहेंगे। आमीन। मेरा परमेश्वर मरने नहीं देगा, माझा परमेश्वर मरू देणार नाही। वो कहता है तुम जीवित रहोगे, म्हणतो तुम्ही जिवंत राहा। लेकिन कई जो मैंने आपको कई दो हफ्ते से मैं बता रहा हूँ, अगर उस पे हमने मनन करते हुए चलेंगे, जर दोन आठवड्यापासून जे सांगत आहे मी त्याच्यावर तुम्ही मनन करत चालाल,
और अपने जीवन में उसको अपनाएंगे आणि ते जीवनात आत्मसात करा, कोई आपको मार नहीं सकेगा, कोणीच तुम्हाला मारू शकणार नाही, आप जीवित रहेंगे, तुम्ही जीवंत रहा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मरे हुए का परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर, माझा परमेश्वर मेलेल्यांचा नाही तर माझा परमेश्वर जीवंतांचा परमेश्वर, प्रभु कहता है कि मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का, मैं याकोब का जीवित परमेश्वर हूं, परमेश्वर म्हणतो मी अब्राहम इसहाक आणि याकोबाचा जीवंत परमेश्वर, जिसकी आराधना आप और मैं कर रहे हो वो जीवित है, ज्याची आराधना तुम्ही आणि मी करत आहोत तो जीवंत है, वो मरे हुए का परमेश्वर नहीं है, तो वो जीवतों का परमेश्वर है, तो मेलेलांचा परमेश्वर नहीं तो जीवंतांचा परमेश्वर है, और हम जीवित हैं, आणि आम्ही जीवंत आहो, हम जीवित हैं, आम्ही जीवंत आहो, और जीवित लोग ही जीवित प्रभु की आराधना करते हैं, जीवंत लोग जीवंत परमेश्वराची आराधना करू शकतात, हर एक सिचुएशन के अंदर, प्रत्येक परिस्थिति मध्ये, और एक बात है जो हमको जीवित रख सकता है, आणखी एक गोष्ट आहे जी तुम्हाला जीवंत ठेवू शकते, हमने कई कई बातों को हमने सीखा है, आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी शिकलो, आज मैं इसको आखिरी एपिसोड में इसका करूंगा, आणि आज शेवटचा हा भाग असणार आहे, और जितना मैं आपको बता सकता हूं तो मैं आपको बताऊंगा, आणि जेवढं मी सांगू शकेन तेवढं मी सांगतो, और अगली बार मैं आपको पानी पे चलना सिखाऊंगा, आणि पुढच्या वेळेस मी तुम्हाला पाण्यावर चालायला शिकवणार, हम टँक में पानी भरेंगे, आम्ही टँक मध्ये पानी भरणार, और मैं आपको एक एक लेकर जाऊंगा, आणि एक एकाला घेऊन जाणार आहे, आप पानी पे चलना सिखाऊंगा, मैं त्या ठिकाणी तुम्हाला पाण्यावर चालायला शिकवणार आहे, लोक स्विमिंग करना सिखाते, आणि लोक स्विमिंग करायला पोहायला शिकवतात, जब गर्मियों का दिन आते तो बड़े फीस रहते, एक एक महीने की 2,500-3,000 रुपये, उन्हाळ्यामध्ये 2,000-2,500 फी भरून आपण पोहायला शिकायला, स्विमिंग सीखते हैं, आणि पोहायला शिकतो, लेकिन मैं आपको फ्री में पानी पे चलना सिखाऊंगा, मी तुम्हाला मोफत पाण्यावर चालायला शिकवणार आहे, वो किसने सिखाए नहीं होगा, आणि हे असं कोणी शिकवलं नसेल, श्रेय की व्यक्ती आहे जिसने सिखाया उसका नाम येशू मसीह है, एकच व्यक्ती आहे ज्याने शिकवलं त्याचं नाव येशू ख्रिस्त आहे, वही हमें पाणी पे चलना सिखा सकता है, आणि तोच आम्हाला पाण्यावर चालायला शिकवू शकतो, कैसा चलना है अगले संडे को हम उसको शुरू करेंगे, कसं चालायचं ते पुढच्या रविवारी पासून आपण सुरू करणार आहोत, जीवित रहेंगे तभी तो चल पाएंगे, जीवंत राहाल तेव्हा तर चालाल, अगर जीवंत नाही तर कोण हमको पाणी पे चलना सिखाय, आणि जीवनच नाही तर चालणार कसं पाणी, इसलिए पहले जीवित कैसे रहना है उसके बाद पाणी पे कैसे चलना है, म्हणजे म्हणून अगोदर जीवंत कसं राहायचं आणि मग पाण्यावर कसं चालायचं, अगर हम परमेश्वर के नियमों और विधियों को निरंतर मानते रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, जेव्हा आम्ही परमेश्वराच्या चाली रीतींना अनुसरून चालू त्यावेळेस आम्ही जिवंत राहू, लेवी व्यवस्था 18:3 वचन में लिखा है, आणि लेवी याचा 18वा अध्याय तिसऱ्या वचनामध्ये लिहिले, अगर तुम मेरे नियमों पर चलोगे, जर तू माझ्या नियमावर चालशील, अगर मेरे विधियों पे चलोगे, माझ्या चाली रीतीने चालशील, सिर्फ रविवार को नहीं, फक्त रविवारी नहीं, निरंतर हमेशा नेहमी, अगर चलते रहोगे, जर चालाल तो हम जीवित रहेंगे, तर आम्ही जीवंत राहू, इसका मतलब ये है, याचा अर्थ हा, अगर हम परमेश्वर की विधियों को अपने जीवन का एक भाग मान लेंगे, जेव्हा आम्ही परमेश्वरांचे जे विधी आहेत त्याचा त्यांना एक भाग मानू, अपने जीवन का एक भाग मान लेंगे, आपल्या जीवनाचा एक भाग मानू, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो परमेश्वराचं वचन सांग, हम जीवित रहेंगे, आम्ही जीवंत राहू, 40 साल परमेश्वर ने इजराइलियों को जंगल में लेकर गए, 40 वर्ष परमेश्वर इजराइली लोकांना जंगलातून घेऊन, परमेश्वर ये देखना चाहते थे, परमेश्वरला पाहायचं होतं की मेरे विधी और नियमों पे चलते है की नाही, हे माझे विधी आणि माझ्या नियमांवर चालतात, जब याजकेल का किताब 20 अध्याय 10 से 11 वचन जब पढ़ेंगे, 20:10-11 जेव्हा आम्ही वाचतो, तो वहां पर लिखा है, मैंने मिस्र देश से इजराइलियों को बाहर निकाला, मिस्रा मधून इजराइली लोकांना बाहेर काढले, मैंने उन्हें अपनी विधियों को बताया, मी त्यांना माझे विधी सांगितले, मैंने अपने नियमों को उन्हें बताया, माझे नियम त्यांना सांगितले, और जो मनुष्य उनको मानेगा, जे मनुष्य ते मानेल, उनके कारण वो जीवित रहेगा, त्याच्यामुळे ते जीवंत राहतील, जंगल की यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा थी, आणि जंगलाचा जो प्रवास तो फार मोठा प्रवास, लेकिन परमेश्वर उनको बता दिया था कि आपको कैसे चलना है, पण परमेश्वरने त्यांना सांगून ठेवलं होतं की तुम्हाला कसं चालायचं, परमेश्वर उनको बता दिया था कि कैसे विधियों को आपको पालना है, आणि परमेश्वरने त्यांना सांगितलं होतं की विधी कसे पाळायचे, जब इस जंगल की यात्रा से आप विधियों को नियमों को मानते हो, जब आगे बढ़ेंगे, जेव्हा विधी आणि नियम पाळत तुम्ही त्या जंगलाच्या प्रवासातून जाल, समुद्र भी आपके लिए मार्ग को तयार कर देगा, समुद्र देखील तुमच्यासाठी मार्ग मोकळा करेल, चट्टान है उसमें से पानी निकल आएगा, आणि जे खडक आहे त्याच्यातून पाणी निघेल, जो कड़वा पानी है वो भी मीठा बन जाएगा, आणि कडू पाणी देखील गोड बने, स्वर्ग से आपके लिए मानना आ जाएगा, आणि स्वर्गातून तुमच्यासाठी मानना उतरेल, और 40 साल की यात्रा में परमेश्वर ने ये करके दिखाया, 40 वर्षाच्या प्रवासामध्ये परमेश्वराने हे करून दाखवलं, इसलिए उसके विधियों को उसके नियमों को कभी भूलना नहीं है, आणि म्हणून त्याचे विधी त्याचे नियम आम्ही कधीच विसरता कामा नये, और वो विधी वो जो नियम है ये परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है, आणि त्याचे विधी त्याचे नियम हे देवाच्या वचनांमध्ये लिहिले आहे, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, ये सब बात उसके वचनों में लिखा हुआ है, कसं राहायचं, कसं चालायचं, कसं उठायचं, कसं
वसायचं कसं बोलायचं हे सर्व काही याच्यात लिहिलं आहे. कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखना है आणि आपलं जीवन आम्ही कसं सुरक्षित राखू. कैसे कैसे इस दुनिया में जब चल रहे हैं हम कैसे अपने जीवन को हमने अलग रखना है ये सब बातें उसने उसके उसके वचनों में लिखा है. जगामध्ये जीवनात चालत असताना कसं आम्ही स्वतःला वेगळं ठेवायचं ते याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. हमें एक ही बात इस दुनिया में जीवित रख सकती है. एकच गोष्ट जी आम्हाला या जगामध्ये जिवंत ठेवू शकते उसके विधि और उसके नियम. त्याचे विधि आणि त्याचे नियम इसको कभी तोड़ना नहीं है. कभी तोड़ू नका. इसको इसकी सीमा से कभी बाहर नहीं जाना है. आणि याच्या मर्यादेच्या बाहेर जायचं नाही. इसकी मर्यादा में रहना है. याच्या मर्यादेत राहायचं आहे. जो खोया हुआ पुत्र था उसने मर्यादा को तोड़ दिया. जो हरवलेला पुत्र होता तो मर्यादा तोडून गेला. उसने 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 अपने पिता के नियमों को तोड़ दिया. त्याने आपले पित्याचे नियम मोडले. उसने अपने पिता की विधियों को तोड़ दिया. त्याचे विधि त्याने मोडले. और वो संसार में चला गया. आणि जगामध्ये निघून गेला. बाइबल कहती है. बाइबल सांगते. उसका जीवन मर गया. त्याचं जीवन मेलं. वो बाइबल कहती है वो मर चुका. बाइबल म्हणतं की तो मेला. शरीर रूप से नहीं. शारीरिक नहीं. आत्मिक रूप से मर गया. आत्मिक रीतीने. क्योंकि क्योंकि उसने उसने अपने पिता के विधियों को नियमों को तोड़ दिया है. कारण की त्याने आपले पित्याचे विधि आणि नियम मोडले. जब हम अपने अपने पिता के विधियों को नियमों को तोड़ देंगे तो निश्चित तौर से मृत्यु हमको घेर लेगी. आणि जेव्हा आम्ही आमच्या पित्याचे निधि आणि नियम मोडू त्या निश्चित आम्हाला मृत्यू येईल. और हम देखते हैं कि जो खोया हुआ पुत्र है उसकी हालत क्या हो गई. आणि आम्ही पाहतो की त्या हरवलेल्या पुत्राची हालत स्थिति कशी. फिर से वो पश्चाताप करके जब घर लौटता है. आणि पुन्हा पश्चाताप करून तो माघारी फिरतो. और अपने पिता के विधियों में अपने पिता के नियमों में जब वो आता है. आणि आपल्या पित्याच्या नियम आणि विधियांमध्ये येतो. बाइबल असं कहती है. बाइबल असं सांगतं. पिता असं कहता है. पिता असं म्हणतो. ये मर चुका था. हा मेला होता. अब जीवित हो गया. आता जिवंत झाला. जीवित हो गया. जीवंत झाला. कोण उसको जीवित किया. कोणी जीवंत केलं. उसके पिता की विधि और नियम. त्याच्या पित्याच्या विधि आणि नियमांनी. जब उसके पिता अपने पिता की विधि और नियम में जब चलेंगे. जेव्हा आम्ही आपल्या पित्याच्या विधि आणि नियमांमध्ये चालू. कोई बात हमको मार नहीं पाएंगे. कुठलीच गोष्ट तुम्हाला मारू शकणार नाही. हमेशा परमेश्वर की विधियों में चले. आणि नेहमी परमेश्वराच्या विधि आणि नियमांमध्ये. उसके नियमों में चले. त्याच्या नियमांमध्ये चाला. आमेन. आमेन. और वो नियम और विधि प्रभु ने हमारे हमारे हाथों में दिया है. अंते नियम ते विधि परमेश्वर ने आमच्या हातात दिले. उसके वचनों में दिया है. त्याच्या वचनांमध्ये दिले. जब इसको पढ़ेंगे. जब आम्ही हे वाचू. तब हमें समझ में आएगा. आम्हाला कळेल. जब तब जब हम पढ़ेंगे. जब आम्ही वाचू. तब हमें समझ में आएगा. तब आम्हाला कळेल. किसके विधि उसके नियम कैसे हैं. त्याचे विधि त्याचे नियम कसे आहेत. बाइबल कहती है उसके विधि और नियम कठिन नहीं है. बाइबल असे सांगते त्याचे विधि आणि नियम कठिन नाही आहेत. उसके विधि नियम कठिन नहीं है. त्याचे विधि आणि नियम कठिन नाही आहेत. आसान है. सोपे. और उसके परमेश्वर के अनुग्रह से आप उसके विधियों को पाल सकते हैं. देवाच्या कृपेने त्याचे विधि त्याचे नियम आम्ही पाळू शकतो. पुराने नियम में बहुत सारी विधियां लगाई हुई थी. जुन्या करारात बरेचसे विधि होते. कोई लोग उसको पाल नहीं पा रहे थे. आणि बरेचसे लोक ते पाळू शकत नव्हते. इसलिए वो सब पूरा करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया. आणि म्हणून ते पूर्ण करण्यासाठी येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आले. जो भी नियम विधियां पुराने नियम में थे येशू मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया. आणि जे जुने नियम आणि विधि जुन्या करारामध्ये ते येशू ख्रिस्ताने त्या वधस्तंभावर पूर्ण केले. अब हमें सिर्फ विश्वास से चलना है. आता आम्हाला फक्त विश्वासाने वो विधि और नियमों को नहीं करना है. ते विधि आणि नियम नाही करायचे. जो येशू ने कहा है. जे येशू म्हटला. वही हमारे लिए विधि और नियम है. तेच आमच्यासाठी विधि आणि नियम आहे. हमें उसके उससे विश्वास में चलना है. आम्हाला त्याच्या विश्वासात चालायचं. तब हम जीवित रह पाएंगे. तेव्हाच आम्ही जिवंत राहू शकतो. आमेन. आमेन. इसलिए इसके विधि और नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है. आणि म्हणून त्याचे विधि आणि नियम वाचणं फार गरजेचं आहे. इसलिए अपने पास में एक बाइबल होना है. आणि म्हणून आपल्याकडे बाइबल असायला हवं. इसको सिर्फ बाइबल को रखना नहीं है. आणि ते फक्त ठेवायसाठी नाही. इसको पढ़ना है. तर वाचायचं. मैं फिर से एक बार कहूंगा 5 मिनट वाली प्रार्थना 10 मिनट वाली प्रार्थना नहीं करना. अब पुन्हा एकदा सांगेल 5 मिनट 10 मिनिटाची प्रार्थना पुरेशी नाही. हम जो मसीह लोग हैं. आम्ही जे ख्रिस्ती लोक आहोत. जो 10 साल से 15 साल से 5 साल से येशू के पीछे चल रहे हैं. जे 10-15-5 वर्षापासून येशूच्या मागे चालत आहेत. और अभी भी 5 मिनट और 10 मिनट की प्रार्थना पे निर्भर है. आणि अजूनही 10 आणि 5 मिनिटाच्या प्रार्थनांवर मी आपको चेतावनी देना चाहता हूं. मला तुम्हाला चेतावनी देऊ द्या. ये सब बंद कर दे. हे बंद करा. कम से कम 1 घंटा आम्ही प्रभु के साथ बिताना है. कमीत कमी 1 तास आम्हाला परमेश्वरासोबत घालवायचा आहे. आमेन. आमेन. तब हम समझ पाएंगे उसके विधियों को उसके नियमों को. आणि मगच आम्ही त्याचे विधी आणि नियम समजून घेऊ. 5 मिनिट में कैसे समझ में आएगा. 5 मिनिटात कसं कळेल की 5 मिनिट में क्या प्रभु ने बोला है. उसको 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 क्या क्या समझ दे रहा है परमेश्वर को 5 मिनट में नहीं समझ सकते. आणि काय परमेश्वर आम्हाला समजू इच्छित होते ते 5 मिनिटात नाही करणार. इसलिए हमारे पास में एक बाइबल होना है जिसको हमें 1 घंटा प्रभु के साथ में समय बिताना. आणि या करता आमच्याकडे बाइबल असायला हवं की आम्ही कमीत कमी 1 तास देवाच्या सानिध्यामध्ये घालू शकतो. और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन जो ऑथर है जो लेखक है. आणि या जगाचा सगळ्यात जो चांगला असा ऑथर आहे लेखक आहे. आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी गई है. या जगामध्ये बरेचसे पुस्तक लिहिले गेले. बड़े बड़े ऑथर ने लिखा लेखकों ने लिखा आणि मोठमोठ्या लेखकांनी लिहिली. वो आपके हाथ में किताब देंगे. ते तुमच्याकडे पुस्तक देतील. लेकिन वो अपने घर में रहेंगे. पण ते आपल्या घरी असतील. वो आपसे मिलने नहीं आ सकते. तुम्हाला भेटायला नाही. लेकिन दुनिया का एक लेखक ऐसा है जो हमेशा आपके साथ में रहता है. आणि जगाचा एक लेखक असा आहे जो नेहमी तुमच्या सोबत राहतो. वो है पवित्र आत्मा. तो आहे पवित्र आत्मा. ये पवित्र आत्मा बाइबल ने बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखा. आणि हे बाइबल पवित्र आत्म्याने लिहिलंय. उसके आत्मा ने इस बाइबल को रचा.
लिखा है आणि त्याच्या आत्म्याने हे बायबल रचले दुनिया का पहिला लेखक है हा जगाचा पहिला लेखक आप कहीं भी रहो जो तुम्ही कुठेही असा अमेरिका में रहो जंगल में रहो कहीं मॉल में रहो कहीं भी रहो अमेरिका जंगल मॉल कुठेही रहा आपको समझाने के लिए हमेशा आपके साथ में रहेगा तुम्हाला समजावण्यासाठी तो नेहमी तुमच्या सोबत आहे हमेशा पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेगा नेहमी तो तुमच्या सोबत राहील इसलिए पवित्र आत्मा जो लेखक है उसको उस बाइबल पढ़ने से पहले उससे कहे आणि म्हणून बाइबल वाचण्या अगोदर पवित्र आत्मा जो त्याचा लेखक आहे त्याला म्हणा मुझे समझ मुझे इसे जो मैं जो समझना चाहता हूं पर मेरी आंखों को खोल देना प्रभु हे समझ कर करून घेण्यासाठी माझे नेत्र तू उघड और पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोल देगा परमेश्वर आपले नेत्र उघडेल प्रभु बोलता है तू मेरा तुझे मैं तू मुझे हाक मार प्रभु म्हणतो तुम्हाला हाक मार मैं तुझे उत्तर दूंगा मी तुला उत्तर दे तुझे मालूम नहीं ऐसी गहरी गहरी बातें मैं तुझे प्रकट करूंगा आणि तुला माहित नाही अशा गहन गोष्टी मी तुला प्रकट करीन गहरी बातें प्रभु प्रकट करना चाहता है गहन गोष्टी परमेश्वर प्रकट करू इच्छित ऊपर ऊपर की बातें नहीं वरवरच्या गोष्टी नहीं अंदर की बातें आतल्या गोष्टी जब अंदर बैठोगे तभी अंदर की बातें पता चलेगा मध्ये बसाल तेव्हाच तर आतल्या गोष्टी माहित पडेल अंदर जब कमरों में बैठोगे गुप्त स्थान में बैठोगे तब परमेश्वर आपके साथ में दिल खोलकर गहरी गहरी बातें बताएगा आत्म्यामध्ये आत्म्यामध्ये खोल्यांमध्ये जेव्हा तुम्ही त्याच्या सानिध्यात बसाल तेव्हा परमेश्वर त्याचं हृदय तुमच्या समोर खोलेल आप चाहते हैं आपको गहरी बातें समझ में आए तुमची इच्छा आहे का तुम्हाला गहन गोष्टी कळाव्यात परमेश्वर ने आपको गहरी बातें बताए परमेश्वर ने तुम्हारे गहन गोष्टी सांगावे तो आपको गहराई में बैठना पड़ेगा तर तुम्हाला त्या खोली मध्ये त्या खोला मध्ये बसावे लागेल पड़ोसी को बोलना खोली में बैठ जाओ पड़ोसी को बोलना खोली में बैठो हाँ खोली में बैठो तो खोल बातें मिलेगी खोलीत बसाल तर खोल गोष्टी कळतील पड़ोसी को नहीं बोल रहे आप हालांकि बोलो उसको आजोबा की बाइबल नहीं पढ़ना आजोबांचं बाइबल नका वाचू आजोबा की बाइबल से उत्पत्ति निकल गई आजोबांच्या बाइबल मधून उत्पत्तीचं पुस्तकच हरवलंय प्रगटीकरण भी निकल गया प्रगटीकरण पण हरवलंय एक को पूछा भाई आपके आपके बाइबल में उत्पत्ति नहीं है आणि एकाला विचारलं तुझ्या पुस्तक तुझ्या बाइबल मध्ये उत्पत्ति नहीं है क्या करेंगे उत्पत्ति तो बन चुकी है अभी उत्पत्ति की कोई जरूरत नहीं है काय करायचं उत्पत्ति तो झाली आता काय वाचून करायचं आजोबा की बाइबल नहीं हमारी बाइबल आजोबाचं बाइबल नहीं आपलं बाइबल आजोबा के आजोबा ने इतनी बाइबल पढ़ने की उत्पत्ति है ही नहीं उसमें आजोबांनी एवढा बाइबल वाचून काढले की त्याच्यात उत्पत्तीच गायब झाली आमेन और पश्चाताप करने के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं पश्चातापाच्या द्वारे आम्ही जीवंत राहू हमारा जीवन पश्चातापी हृदय होना चाहिए आमचं जीवन पश्चातापी होना चाहिए पश्चातापी असायला हमेशा पश्चाताप हृदय रहना आणि नेहमी पश्चाताप करायला पाहिजे बाइबल कहती है बाइबल सांगते यजकेल 18:32 के अंदर यजकेल 18:32 मध्ये अगर तू पश्चाताप करेगा जर तू पश्चाताप केला तो हमें तू जीवित रहेगा तर तू जिवंत राहा हमेशा पश्चातापी हृदय हमें रखना है नेहमी पश्चातापी हृदय आम्हाला ठेवायचं परमेश्वर जब उसने 100 भेड़ों का दृष्टांत कहा जेव्हा 100 मेंढरांचा दृष्टांत सांगितला 99 भेड़ों को छोड़ दिया 99 मेंढरांना सोडलं एक भेड़ को ढूंढने को आया पण त्या एका मेंढराच्या मागे गेले वो एक भेड़ ती ते एक मेंढरू उसके लिए बहुत आवश्यक थी त्याच्यासाठी फार गरजेचं होतं और बाइबल कहती है आणि बाइबल सांगतं मैं उन 99 के विषय में इतना खुश नहीं हूं जितना एक व्यक्ति पश्चाताप करके मेरी ओर घूमता है आणि मी त्या 99 विषय एवढा खुश नहीं जितका एक पापी व्यक्ति पश्चाताप करून माझ्याकडे वळतो इसलिए हमेशा अपने जीवन में पश्चातापी हृदय को रखना आणि नेहमी आपल्यामध्ये पश्चातापी हृदय ठेवा हमेशा नम्र और लीन बने रहना है नेहमी नम्र आणि लीन बनून राहा हम मनुष्य हैं आम्ही मनुष्य आहोत काही काही ना काही गलती हमसे हो जाती है बऱ्याचदा आमच्याकडून चुका होतात प्रभु के सामने हमेशा पश्चातापी हृदय को रखे आणि देवासमोर आम्ही नेहमी पश्चातापी हृदय ठेवावं बाइबल कहते हम जीवित रहेंगे बाइबल असं सांगते की आम्ही जीवंत राहू आमेन और प्रभु कहता है प्रभु म्हणतो मैंने तेरे सामने मृत्यु और जीवन को रखा मी तुझ्या समोर मृत्यु आणि जीवन ठेवलेलं आहे आंसर भी वही दे रहा है उत्तर भी वही दे रहा उत्तर ही तो वही दे तू जीवन को अपना लेना तू जीवन घे अगर तू जीवन को अपना लेगा जर तू जीवन घेशील सुनिए ऐका अगर तू जीवन को अपना लेगा जर तू जीवन घेशील तो तेरा वंश और तू हमेशा के लिए जीवित रहेगा तुझा वंश आणि तू नेहमी जीवंत राहील तेरा वंश तुझा वंश तेरा वंश तुझा वंश तेरी पीढ़ियां तुझा पिढ्या और तू आणि तू हमेशा जीवंत रहेगा नेहमी जीवंत इसलिए हमारी पीढ़ी को अगर जीवित रखना आणि म्हणून जर आमची पीढ़ी जीवंत हमारे जनरेशन को जीवित रखना आमची पीढ़ी जीवंत ठेवायची हमें जीवित रहना पड़ेगा आम्हाला जीवंत राहावं अगर हम जीवित नहीं है जर आम्ही जीवंत नाही हमारा जनरेशन जीवित नहीं रह पाएगा आमची पीढ़ी जीवंत असणार नाही आपको मैं अगले कई दिनों में आपको बताऊंगा कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी प्रभु ने दिया है आणि पुढच्या वेळेस मी सांगेन की आमच्यावर केवढी मोठी जबाबदारी परमेश्वर ने सोपवलेली आप मेरे साथ में है तुम्हारे सोबत आहात का पक्का मुझे लग रहा आप मेरे साथ में नहीं आप स्वर्ग में चले गए आप मेरे साथ में है आमेन सुन रहे हैं आप
नहीं तो मैं प्रार्थना करके खत्म करता हूं। आमीन बोल दिया, ये ले लो। सुनिए आयका, जब योश मोसा ने योशवा को तैयार किया, जब मोशे ने यहोशवा ला तैयार किया, योशवा के बाद में कोई पीढ़ी तैयार नहीं हुई। यहोशवा नंतर कोणती पीढ़ी तैयार? योशवा की पीढ़ी मर गई। यहोशवा ची पीढ़ी मेली। बाइबल ऐसे कहती है, बाइबल ऐसे सांगत, वो आने वाली पीढ़ी जो वहां से जो जनरेशन था, वहां का जनरेशन था, वहां का जो पीढ़ी थी, जी पीढ़ी होती, वो परमेश्वर को पहचानती नहीं थी, ती परमेश्वर ला ओळखत नव्हती, उनको परमेश्वर के चमत्कार मालूम नहीं थे, त्यांना परमेश्वराचे चमत्कार माहित नव्हते, और वो धीरे धीरे वो जो प्रभु नहीं चाहता था वो करने लगे, आणि हळूहळू जे प्रभुची इच्छा नव्हती असे योशवा के बाद में, योशवाच्या नंतर, सुनिए ऐका, योशवा के बाद में शास्त्र न्याय की किताब जब पढ़ोगे वहां पे लिखा है उन लोगों को, नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को परमेश्वर की पहचान नहीं थी। आणि योशवा नंतर शास्त्र जेव्हा आम्ही वाचतो त्यावेळेस त्यावेळेसच्या पिढीला देवा विषयीची काही माहिती नव्हती, परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वराला ओळखतच नव्हते। जबाबदार कोण था? जबाबदार कोण होता? योशवा जबाबदार था। योशवा जबाबदार होता। उसने अपनी पीढ़ी को सिखाना था। त्यांनी आपल्या पिढीला शिकवायला, आपले बच्चों को सिखाना था, आपल्या लेकरांना शिकवायला। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन? परमेश्वर चमत्कार कैसे करता है? कसा चमत्कार? परमेश्वर कौन है? तो कौन है? ये उसको सिखाना था, शिकवायला। आज आपके ऊपर मुझे मेरे ऊपर जबाबदारी है, तुमच्या माझ्यावरती जबाबदारी। अगर अपने बच्चों को जीवित रखना है, जर आपल्या मुलांना जीवंत ठेवायचे, कॉलेज में जीवित रखना है, कॉलेज मध्ये जीवंत ठेवायचे, संसार में जीवित रखना है, जगात जीवंत ठेवायचे, तो परमेश्वर की बातों को उनके अंदर डालना होगा। तब हमारे बच्चे कॉलेज में जाएं, मॉल में जाएं, कहीं भी जाएं, हमारे बच्चे जीवित रहेंगे। आणि म्हणून ज्यावेळेस आम्ही त्यांना देवाची वचन शिकवू, आमचे लेकरं कुठेही कॉलेज मध्ये मॉल मध्ये जाऊ ते जीवंत राहतील। लेकिन कौन को जबाबदार है? कौन जवाबदार है? पण जवाबदार कौन है? हम जवाबदार है, आम्ही जवाबदार। हमारे जनरेशन को, हमारे पीढ़ी को सिखाने के जवाबदार हम है, आमच्या पीढ़ीला शिकवण्यासाठी जवाबदार आम्ही आहोत। इसलिए हम क्या करें? आणि म्हणून तुम्ही काय करा? अपने बच्चों के साथ में आराधना करने के लिए आए, आपल्या लेकरांसोबत आराधना करण्यासाठी, अपने बच्चों के साथ में सेल ग्रुप में जाए, आपल्या लेकरांच्या सोबत सेल ग्रुपला जा। आज कई माता पिता बोलते हमारे पास समय नहीं है, आज कितीतरी माता पिता म्हणतात आमच्याकडे वेळ नाही, काम में इतने व्यस्त है, कामात इतके व्यस्त है, अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, नहीं है। और फिर जाके जब बड़े होते हैं बच्चे, मग जाते मोठे होते, कहीं माता पिता आते हैं रोते हैं, किती तरी माता पिता रड़त येतात, मेरे बच्चे दारू के लत लग चुकी है, माझ्या लेकराला दारू से व्यसन है, मेरे बच्चे संसार में है, माझ्या लेकरा या जगात क्यों ना हो, का नसना, क्यों ना हो, का नसना, जब समय था, जब वेळ होता, तब आप उनको लेकर नहीं आए, तेव्हा तुम्ही त्यांना घेऊन नाही आले, आपको एडमिशन कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए समय था, आणि तुम्हाला कॉलेज मध्ये एडमिशन घेऊन येण्याचे वेळ होती, क्लास में छोड़ने के लिए समय था, क्लास मध्ये सोडण्याची वेळ होती, ऍक्टिव्हिटीज बाकी के ऍक्टिव्हिटीज के लिए छोड़ने में समय था, इतर ऍक्टिव्हिटीज साठी सोडण्याची वेळ होती, जब चर्च का समय आता है, चर्च ची वेळ येते, हम उसको रुका देते हैं, आम्ही थांबवतो, हम रुका देते हैं, आम्ही थांबवतो, नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले महत्वपूर्ण वो तेरा काम है, आणि सगळ्यात महत्वपूर्ण तुझ्यासाठी हे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मी तुम्हाला इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर का वचन है, या जगातला सगळ्यात महत्वपूर्ण काम काय असेल तर देवाची सेवा आणि आराधना, इसलिए बच्चों के साथ में आए, आणि म्हणून लेकरांच्या सोबत उनको लेकर आए, आणि घेऊन या, कोई तडजोड नहीं करना, काही तडजोड करू नका, क्योंकि वचन ही है जो हमारे जनरेशन को जिंदा रखेगा, कारण वचनच जे आमच्या पिढीला जिवंत राखेल, उनको लेकर आए, त्यांना घेऊन या, उनको सिखाए, शिकवा। मैं तो ये कहता हूं कि अगले साल से आप एक योजना बनाए, मी तो म्हणतो पुढच्या वर्षीपासून तुम्ही एक योजना आखा, आप जैसे योशवा कहता है, जैसे योशवा म्हणतो, मैं, मी और मेरा घराना, आणि माझे घराने, परमेश्वर की ही सेवा करें, परमेश्वराचीच सेवा करणार, परमेश्वर की ही सेवा करें, परमेश्वराचीच सेवा, हमें भी ये कहना है, आम्हाला हेच म्हणायचं, मैं और मेरा घराना तो प्रभु की सेवा करेंगे, मी आणि माझे घराना तो परमेश्वराची सेवा करणार, आप और आपका परिवार, तुम्ही आणि तुमचं कुटुंब, बच्चों के साथ, लेकरांसमवेत, आपके घर के पास में, तुमच्या घराच्या जवळ, एक प्रार्थना सभा सुरू करें, एक प्रार्थना सभा सुरू करा, क्यों मालूम है? काम आए थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। मालूम तुम्हाला सांगू देत? क्यों? का? मैं आपको लोनावाला जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हाला लोनावाला जाने नहीं सांगत। अलीबाग जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अलीबाग जायला नहीं सांगत है। आप आपके घर के साइड में, तुमच्या घराच्या जवळ, आप सेल ग्रुप शुरू करें। एक सेल ग्रुप शुरू करा। आपके लीडर की अधीनता में, आपल्या पुढाऱ्याच्या अधीनतेमध्ये, आप सीखेंगे, तुम्ही शिकाल, हमारे बच्चे सीखेंगे, लेकरं शिकतील, और जिसके घर में हम जा रहे हैं वो सीखेंगे, आणि ज्याच्या घरात आम्ही जात आहोत तो शिकेल। अगले साल एक परिवार को तैयार करने के लिए आप तैयार हो जाए। पुढच्या वर्षी एका कुटुंबाला तैयार करण्यासाठी तुम्ही तैयार व्हा। आप तैयार हो
हो जाए, तुम्ही तयार व्हा, वहाँ पे क्या करें, इथे काय करायचं, जब बच्चों को लेकर जाएंगे, जो लेकरांना घेऊन जा, बच्चों को बोले, लेकरांना सांग, आज तू प्रार्थना कर, आज तू प्रार्थना कर, अगली बार उसे कहे, पुढच्या वेळेला त्याला 2 मिनिट का संदेश तू दे, 2 मिनिटाचा संदेश क्या होगा मालूम है, काय होईल माहिती, परमेश्वर का अनुग्रह आप अपने बच्चों पर उतरता हुआ देखेंगे, देवाची कृपा तुमच्या लेकरांवर उतरताना, आपके बच्चों के अंदर टैलेंट को आप चमकता हुआ देखेंगे, आणि तुमच्या लेकरांमध्ये त्याची टैलेंट चमकताना पहा, समय निकाले इसके लिए, त्याची वेळ काढा, कई बार मैं कहते जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, आणि बऱ्याचदा जेव्हा मुलं हातातून निघून जातात, मैं तो इसके लिए कमा रहा हूं, आम्ही तर ह्याच्यासाठी कमवतो, मैंने मेरी पूरी जिंदगी, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी उम्र ढल गई इसको देखते देखते, आणि माझे केस पिकले, मी म्हातारा होत चालो, ह्याला पाहता पाहता, मैं किसके लिए कमा रहा हूं, मी कोणासाठी करत आहे, जनरेशन के मेरे बच्चों के लिए, माझ्या पिढीसाठी, माझे लेकर, बच्चे तो बाहर निकल गए, लेकर तो, तूने वो कमाई नहीं किया जिससे तेरा बच्चा जीवित रह सकता, ती कमाई नहीं केली जी लेकरू जीवंत राहू शकेल, परमेश्वर के वचन को तूने सिखाया, परमेश्वराचे वचन तू शिकवले नाही, इसलिए अपने परिवार बनकर, कुटुंब बनून, अपने बच्चों को सिखाने की जबाबदारी ले, आपल्या लेकराला शिकवण्याची जबाबदारी, मैं वादा करता हूं आपसे, मी तुम्हाला वचन देतो, एक भी बच्चा हमारा खराब नहीं होगा, एक ही मुलगा मूल आपला खराब होणार नाही, हम रोएंगे नहीं, आम्ही रडणार नाही, तो हमारे बच्चे हमारा नाम ऊंचा करेंगे, तर आमचे लेकर आमचे नाव उंच करतील, किसका बच्चा है, कोणाचा आहे मुलगा, सरिता दासी का है, सरिता ताईंचा, अरे किसका बच्चा है, कोणाचा मुलगा है, कांबळे दादा का बच्चा है, कांबळे दादांचा है, अरे किसका बच्चा है, कोणाचा है, अरे पंडित सर का बच्चा है, पंडित सरांचा, किसका बच्चा है, कोणाचा है, जाधव सर का बच्चा, जाधव सरांचा है, हमें ये बोलने नहीं पड़ेगा ये मेरे बच्चे हैं, आम्हाला सांगायची गरज पडणार नाही की हे माझे लेकर आहेत, हमारे बच्चे बताएंगे की हम किसके, आमचे लेकर दाखवून देतील की आम्ही कोणाचे लेकर आहोत, नहीं समझ में, नहीं कळालं, हमारी वजह से नहीं, आमच्यामुळे नहीं, हमारे बच्चों के अंदर जो प्रभु ने अभिषेक रखा है ना उसके द्वारा प्रभु हमारी पहचान को बनाया, आणि आमची आमच्या लेकरांमध्ये जे अभिषेक परमेश्वरने ठेवला त्याद्वारे आमची ओळख परमेश्वर पटवून देईल, आमेन, आमेन, हमारे बच्चे जीवित रहे, आमचे लेकर जीवंत राहतील, प्रभु ने कहा, प्रभु म्हटला, मृत्यु और जीवन, आणि जीवन तेरे सामने रखा, तुझ्या समोर आहे, और प्रभु उत्तर दे रहा है, आणि प्रभुच उत्तर, जीवन को चुन लेना, जीवनाची निवड कर, जीवन को चुन लेना, जीवनाची निवड कर, क्यों, का, इससे याद्वारे तेरा वंश, तुझा वंश, और तू, आणि तू जीवित रहेगा, जीवंत राहशील, आपको खुशी नहीं हो रहा है, आमेन, हमारे बच्चे आशीषित बच्चे हैं, आमचे लेकर आशीर्वादित आहेत, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, आणि म्हणून आमची जबाबदारी आहे, हमारे जनरेशन को सिखाने का, आमची पिढीला शिकवण्याची, इसलिए अपने घर के दरवाजे को खोल के रखना, आपले घराचे दरवाजे उघडून ठेवा, लोग आप इन्विटेशन दो, मेरे घर में प्रार्थना ग्रुप शुरू करो, लोकांना आमंत्रण द्या, माझ्या घरामध्ये प्रार्थना सभा सुरू करा, जो या सेल लीडर्स को बोलो मेरे घर में प्रार्थना प्रार्थना हो, आणि सेल लीडरला सांगा माझ्या घरामध्ये तुम्ही प्रार्थना, अगर वो कहते लीडर नहीं है तो उसको बोलो खुद आओ, आणि जर तो म्हटला लीडर नाही त्यांना म्हणा स्वतः या, खुद आओ, स्वतः या, हमें सिखाओ, आणि आम्हाला शिकवा, मेरे बच्चों को सिखाओ, माझ्या लेकरांना शिकवा, बोलो उनको, त्यांना सांगा, और अगले साल आप सिर्फ सीखना नहीं अभी आपको सिखाने जाना है, आणि पुढच्या वर्षी तुम्हाला आता शिकायचं नाही तर शिकवायला जायचं आहे, अपने परिवार के साथ में, आपल्या कुटुंबासोबत, एक घंटा समय निकाले, एक तास वेळ काढा, और जाएं सेल ग्रुपला, इतने भी व्यस्त मत हो जाएं कि हमारे बच्चे प्रार्थनाओं से वंचित हो जाएं, आणि सेल ग्रुप मध्ये जा इतके ही व्यस्त होऊ नका की आपले लेकर प्रार्थनांपासून वंचित राहतील, नहीं संडे को तो आ रहे हैं संडे स्कूल में, नहीं संडेला संडे स्कूल मध्ये येतात, सिर्फ एक दिन काफी नहीं है, तेवढा एक दिवस पुरेसा नहीं है, स्कूल हफ्ते भर जाते हैं, आठवडाभर शाळेत जातात, और एक घंटे के लिए संडे स्कूल में, आठवड्यातून एक तास संडे स्कूल, और भी शुरू करें, और शुरू करें, अजून सुरू करा, आपके घर के अंदर एक 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 वेदी को बनाए, तुमच्या घरामध्ये एक वेदी तयार करा, फिर से एक बार, पुन्हा एकदा, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, अब्राहमाचा मी परमेश्वर, मैं इसाक का परमेश्वर हूं, इसाकाचा परमेश्वर, मैं याकोब का परमेश्वर हूं, मैं मरवो का नहीं, मी मेलेल्यांचा नाही, मैं जीवतो का परमेश्वर हूं, मी जीवंतांचा परमेश्वर आहे, मैं जीवतो का परमेश्वर, मी जीवंतांचा परमेश्वर आहे, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, माझा नीतिमान विश्वासाने जगेल, मेरा धर्मी जन, माझा नीतिमान, सुनिए, ऐका, तो धर्मी व्यक्ति कैसा होना है तो समझना पड़ेगा, आणि मग धर्मी व्यक्ती कसा असायला हवा समजून घ्यावं लागेल, अगर मेरा धर्मीजन जीवित रहेगा, माझा धर्मीजन जर जिवंत राहावा, तो धर्मी कसे बनना ये भी समजना पड़ेगा, धर्मी कसं बनायचं हे समजून घ्या, धर्मी व्यक्ती के गुण को आप देखिए, आता धर्मी व्यक्तीचे नीतिमान व्यक्तीचे गुण तुम्ही पहा, धर्मी व्यक्ती के गुण क्या होते हैं, आणि नीतिमान व्यक्तीचे गुण काय असतात, जब आपने नूह के जमाने में आपने देखा, आणि नोहाच्या काळामध्ये तुम्ही जर पाहिलं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वराचं वचन, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, नोहा एक धार्मिक व्यक्ती होता, और अपने समय के लोगों में खरा था, आणि आपल्या समयातील लोकांमध्ये तो
खरा होता। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नोहा जो है तो परमेश्वरा सोबत चालला। उत्पत्ति 6:9 में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 6:9 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। सुनिए, ऐका, नूह धर्मी व्यक्ति है, नोहा नीतिमान मनुष्य है। बाइबल कहती है, बाइबल वो अपने समय में लोगों में खरा था। तो अपने समय लोकांमध्ये खरा होता। अपने समय के लोगों में खरा था, मतलब अपने समय लोकांमध्ये खरा होता। सुनिए, बाइबल कहती है, बाइबल उत्पत्ति 6:5-7 वचन में, उत्पत्ति 6:5-7 में, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा, जब परमेश्वर ने पृथ्वी कड़े पाहिलं। सुनिए, परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है, पहा परमेश्वर पृथ्वी कड़े पाहतो। परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है, परमेश्वर पृथ्वी पर पाहतो, उसकी नजर पृथ्वी पर है, त्याची नजर पृथ्वी पर है। प्रभु ने पृथ्वी पर लोगों को देखा, परमेश्वर ने पृथ्वी पर लोकांना पाहिलं। सुनिए, ऐका, इतना तो स्कैन कोई भी नहीं कर सकता सर। एवढा स्कैन तो कोणीच करू शकत नाही। जितने मेरे परमेश्वर की आंखें करती हैं, जितक माझा परमेश्वराचे नेत्र करतात। और जब उसने स्कैन कर दिया ना, आणि एकदा का त्यांनी स्कैन केलं, स्कैन मशीन खराब हो सकती है, स्कैन मशीन खराब होऊ शकते। मेरे प्रभु की स्कैन कभी खराब नहीं होता। माझा परमेश्वराचा स्कैन कधीच खराब होत नाही। एक ही बार स्कैन करेगा, एकदा स्कैन करेल, डिफॉल्ट ये कुछ कमी है इसके अंदर, काहीतरी कमी है। प्रभु ने नूह के समय भी 15-20 लोग नहीं थे, आणि नूच्या वेळेला काय 15-20 लोक नव्हते, एक लाखो की संख्या में लोक थे, लाखो संख्येमध्ये लोक होते। पृथ्वी पर प्रभु ने देखा, आणि पृथ्वीवर प्रभु ने पाहिलं, अपनी नजर को एक घुमा दिया, आपले नजर फिरवली। और बाइबल कहती है, बाइबल असं सांगतं, बाइबल कहती है उस जमाने में लोगों की दुष्टाई बढ़ गई थी, आणि त्या काळामध्ये लोकांची दुष्टाई वाढली होती। और प्रभु ने, प्रभु का मन खेदित हुआ, आणि त्यामुळे परमेश्वराचं मन खेदित झालं। प्रभु ने देखा की पृथ्वी बिगड़ गई है, पृथ्वी ने पाहिलं, परमेश्वर ने पाहिलं की पृथ्वी बिगड़ली है। उत्पत्ति 6:11-12 में, उत्पत्ति 6:11-12 परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई है, परमेश्वराच्या दृष्टि ने पृथ्वी भ्रष्ट झाली होती, और वो उपद्रव से भर गई है, आणि ती जात जुल्मांनी भरली होती, प्राणियों ने अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ली, आणि प्राणी मात्रांनी आपली चाल चलनवणूक बिघडवली होती। प्रभु की आंखों ने देखा, देवाच्या नेत्रांनी पाहिलं। सुनिए, ऐका, प्रभु की आंखें देखती है, देवाचे डोळे पाहतात। उस समय देखते थे, आज भी देखती है, त्या वेळेला पाहत होते, आजही पाहतात। सेकंड के अंदर, कई मिनटों के अंदर प्रभु ने पूरी पृथ्वी को स्कैन कर दिया। क्षणातच काही मिनिटांमध्ये परमेश्वर ने सगळ्या पृथ्वीचं स्कॅन केलं। और जब रिपोर्ट आई, म्हणजे रिपोर्ट आला, पृथ्वी की जब रिपोर्ट आई, पृथ्वीचा रिपोर्ट जेव्हा आला, प्रभु के सामने रखी गई, देवाच्या समोर ठेवण्यात आला, प्रभु कहता ये पृथ्वी पूरी बिगड़ गई, आणि प्रभु म्हणतो ही पूरी पृथ्वी भ्रष्ट झाली, आपने इन्होंने अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया, यांनी आपली चाल चलवणूक बिघडवली। सुनिए, ऐका, उस समय, त्या वेळेला, उस समय, त्या वेळेला एक व्यक्ति का स्कॅन ठीक निकला, एकाच व्यक्तीचा स्कॅन चांगला निघाला। प्रभू बोला दिखो 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 दिखो, बहुत बहुत लोगों की रिपोर्ट वहां पर आई, बऱ्याचशा लोकांचे रिपोर्ट आले, बोले सब पृथ्वी बिगड़ गई है, आणि सर्व पृथ्वी भ्रष्ट झाली, पण एक रिपोर्ट ऐसा था जिसका स्कॅन अच्छा था, पण एक रिपोर्ट असा होता ज्याचा स्कॅन चांगला होता। जरूर करो 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 करो, ये थोड़ा सा मेरे को कुछ लग रहा है, आणि थांबा थांबा हा जरा चांगला वाटतो, इसका नाम क्या है, त्याचं नाव काय, नोह, नोहा, इस व्यक्ति की रिपोर्ट ठीक है सर, आणि ह्या व्यक्तीचा रिपोर्ट चांगला आहे, पूरी दुनिया के अंदर, पूर्ण जगामध्ये एक व्यक्ति की रिपोर्ट ठीक आहे, एकाच व्यक्तीचा रिपोर्ट चांगला आला, उसका नाम था नोह, त्याचं नाव तो नोहा। अपने समय के लोगों में उसने अपने जीवन को ठीक रखा था, आपल्या समयातील लोकांच्या समोर त्याने आपलं जीवन व्यवस्थित ठेवलं होतं। धर्मी व्यक्ति क्या करता है, धर्मी व्यक्ति काय करतो, अपने जीवन को ठीक रखता, आपलं जीवन चांगलं ठेवतो, वो अपने जीवन को बिगड़ने नहीं देता, आपला जीवन बिगड़ू देत नाही, वो अपने जीवन की चाल बिगड़ने नहीं देता, आपल्या जीवनाची चाल बिगड़ू देत नाही। दुनिया कुछ भी करे, जग काही करू दे, पर अपने जीवन को ठीक करता, पण तो आपलं जीवन चांगलं राखतो, उसके चाल चलन को ठीक रखता, त्याची चाल चलनूक चांगली ठेवतो। कितने भी बिगड़ने दो दुनिया, जग किती बिगड़ू दे, आप अगर पार्टी में भी चले जाएंगे तो आपकी चाल चलन वहां ठीक होगी, आणि तुम्ही पार्टीला जरी गेले तर तिथे तुमचं चाल चलवणी चांगला असेल। बहुत सारे जब ऑफिस की पार्टी हो, दोस्तों की पार्टी हो, हमें बुला लेते हैं, बरेचदा ऑफिस किंवा मित्रांच्या पार्टी मध्ये आम्हाला बोलवलं जातं, वहां पे भी अपना चाल चलन ठीक होना है, तिथेही आपली चाल चलवणूक चांगली असायला पाहिजे, नाही तर वहां पे भी दोस्त लोग हैं, चलो थोड़ा सा ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आणि मग असं वाटतं दोस्त यारी एक एक थोडीशी घेतली काय नाही होत, दोस्त लोग भी बोलते हैं क्या तू, मैं तेरे साथ इतना, तेरा दोस्त तू, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, और तो थोड़े से घोट नहीं पी सकता तू, आणि मग दोस्त पण म्हणतो मी एवढा तुझा मित्र आहे, तुझ्यासाठी जीव द्यायला तयार आहे, माझ्यासाठी एक घोट नाही पिऊ शकत, तेरी मेरी दोस्ती, दोस्ती के लिए थोड़ा नहीं कर सकता, आणि तुझी माझी दोस्ती, दोस्तीसाठी एवढं नाही करू शकत का, थोडा सा घोट पीले तो क्या होगा, थोडा सा घोट पीला तर काय होईल। प्रभु का स्कॅन तयार आहे, उपर प्रभुचा स्कॅन तयार आहे, स्कॅन हो जाएगा, लगेच स्कॅन होईल,
और फिर प्रभु के सामने रिपोर्ट आ जाएगी आणि प्रभु समोर रिपोर्ट येईल. इसने भी अपनी चाल चलन बिगाड़ दिया, यानी आपली चाल चलणूक बिघडवली. हमारे मोबाइल की भी चाल चलन ठीक नहीं है, आमचे मोबाइल ची पण चाल चलणूक चांगली नहीं. दर्द भरे गीत लगाए आणि दर्द भरे गीत मराठी पीडादायक यहां दर्द भरे वहां पीडादायक पीड़ा में रो रहा है. लोगों के जब फोन करते हैं मसीह व्यक्ति के जीवन में क्रिस्ती लोकांचा तेरी मेरी प्यार कहानी आया ठीक है. अभी तक मोबाइल की चाल चलन नहीं बिगड़ा तो आपका ठीक नहीं हुआ तो अपना चाल चलन कैसे ठीक होगा? मोबाइल की चाल चलन नहीं चांगली तो आपकी कैसी होगी? मेरा मोबाइल माझा मोबाइल उस मोबाइल की चाल चलन ठीक करेंगे हम भी ठीक हो जाएंगे. अंत मोबाइल की चाल चलन चांगली ठेवली तर आम्ही ठीक हो. इसलिए बार बार चेक करते रहो मोबाइल का चाल चलन बिगड़ तो नहीं गया. आणि म्हणून सारखं चेक करत रहा मोबाइल की चाल चलन बिगड़ली तर नहीं. कुछ लोग बोलते तेरा मैं बोलता हूँ यार तेरा गाना सुना तूने कभी? नहीं यार मैंने सुना नहीं दादा मैंने सुना नहीं. वापस हर महीने सुनता रहे आणि प्रत्येक महिन्याला आई काय गाणं येते ते. कभी कभी क्या होता है वो ऊपर से कोई चेंज कर देता है. ऊपर से कैसा चेंज होगा सर? नहीं नहीं कभी कभी वरुण का ही चेंज होता है. वरुण को नहीं काई चेंज करत नहीं कोई. जब हम उसको चेंज करेंगे तब चेंज होगा. जब आमी चेंज करू तेव्हाच होतो. मेरा मोबाइल जब से लिया ना आज तक कभी भी रिंगटोन नहीं बजे उसकी. आणि माझा मोबाइल जेव्हापासून घेतला रिंगटोन कभी बदललाच नाही. कभी सुना हो तो आप मैं आप जो बोलेंगे वो मैं देने के तैयार. कभी ऐसा ऐकला असेल तुम्ही काय म्हणाल ते मी देईन. हमेशा का टिटवर बंद रहता उसका. नेहमी ते बंदच असतो वायब्रेट मोड पे. वायब्रेट मोड वर नहीं तो फिर डायरेक्ट साइलेंट मोड पे. नहीं तो मैं साइलेंट हमेशा 24 घंटे 24 तास टेट पे दबा के रखता उसको. टेट पे दबाने का काम किसके हाथ में? ते कुना चाहता थे. हाँ कंपनी के हाथ में नहीं है. कंपनी चाहता नहीं है. हाँ अपने समय के लोगों में अपनी चाल चलन मत बिगड़ने दो. आने आपले समय थी लोकान मदे आपली चाल चलवणूक बिगड़ू देऊ नका. है फ्रांसिस आहे फ्रांसिस आहे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर और नाच रहे अलग अलग गानों पर. आने नाचतो वेगवेगळ्या गाणांवर. सुन चंपान सुर चमेली वो गाने पे नाच रहे. हाँ रॉबर्ट अध्यक्ष चर्च का अध्यक्ष नहीं अलग ही चीज का अध्यक्ष. रॉबर्ट अध्यक्ष चर्च से नहीं दुसऱ्याच कुठल्या तरी मंडळाचा. और नाच रहा उधर नाचतो आहे तिथे. प्रभु ने देखा प्रभु ने पाहिलं. बाइबल कहती है बाइबल सांगत बाइबल कहती है बाइबल सांगत सभी लोगों का चाल चलन बिगड़ गया था. सगळ्यांचं चाल चलणूक बिघडली. एक नोह व्यक्ति था. एक नोहा होता जिसने अपनी चाल चलन को ठीक रखा. जाने अपनी चाल चलन चांगली ठेवली. खुदा बाप ने उसका स्कैन किया. परमेश्वर ने स्कैन केलं. और जो अपनी चाल चलन को ठीक करता है परमेश्वर उसकी योजनाएं बताता है. जो स्वतःची चाल चलन चांगली ठेवतो परमेश्वर त्याच्या योजना त्याला प्रकट करतो. और परमेश्वर की योजनाएं बताता आणि परमेश्वर त्याला योजना सांगतो. आगे क्या करने वाला परमेश्वर उसको प्रकट करता. पुढे परमेश्वर काय करणार आहे त्याला प्रकट करतो. सुनिए ऐका धर्मी व्यक्ति को बोला. धर्मी व्यक्तीला सांगितलं मैं इस दुनिया को खत्म करने जा रहा हूं. मी जग संपवणार आहे. मैं पूरी दुनिया को खत्म करने जा रहा हूं. जग संपवणार आहे. तू मेरी नजरों में धर्मी है पण तू माझ्या नजरेत नीतिमान है. किसी व्यक्ति के नजरों में धर्मी नहीं बना तो भी चलेगा लेकिन प्रभु के आंखों के सामने धर्मी बने रहना. आणि कुठल्या व्यक्तीच्या समोर नीतिमान नाही बनलं तरी चालेल. देवाच्या समोर आम्ही नीतिमान बनलं पाहिजे. कोणी धर्मी कहे या ना कहे कोणी आम्हाला धर्मी म्हणो ना म्हणो लेकिन खुदा ने हमें धर्मी कहना. पण परमेश्वर ने आम्हाला धर्मी म्हणून ओळखलं पाहिजे. धर्मी कब बनेगा आणि ते केव्हा होणार? जब मेरी चाल चलन मैं ठीक रखूंगा. जेव्हा मी माझी चाल चलवणूक चांगली ठेवेल. जब अपनी चाल चलन को ठीक रखूंगा आणि जेव्हा मी आपली चाल चलवणूक बाइबल कहती है बाइबल सांगतो वो अपनी योजनाएं बताएगा तो त्याच्या योजना सांगेल. क्या योजना बता रहा है? काय योजना? उस धर्मी व्यक्ति के परिवार को बचाने की योजना बना. धर्मी व्यक्ति चा परिवाराला वाचवण्याची योजना. 8 व्यक्ति को बचाने के लिए खुदा बाप ने अपनी योजना बताई. आणि 8 व्यक्तींना वाचवण्यासाठी परमेश्वराने आपली योजना सांगितली. स्वर्ग से उतर कर नीचे आ गया. स्वर्गातून उतरून खाली आला और उसको पूरी योजना बताई. आणि त्याला पूर्ण योजना सांगितली. और योजना बचाने के लिए कैसा बचेगा हर एक बात खुदा बाप ने उसको बताया. आणि त्या योजने अंतर्गत कसा तू वाचणार आहेस त्याविषयी सगळं त्याला सांगितलं. जहाज बना जहाज और जहाज कितने इंच का होना वो भी बताया. आणि ते जहाज किती इंचाचं असावं. कितनी खिडकी रखना वो बताया. किती खिडक्या असाव्यात. किती दरवाजे रखना वो बताया. किती दरवाजे असावेत. कितने फ्लोर रखना बताया. किती मजले असावेत. हर एक बात खुदा बाप ने छोटी छोटी बात उसको बताई. आणि प्रत्येक एक छोटी गोष्ट परमेश्वरने त्याला सांगितली. मेरा परमेश्वर माझा परमेश्वर धर्मी व्यक्तियों को नीतिमानांना छोटी छोटी बात बताया. छोट्या छोट्या गोष्टी सांगतो. छोटी छोटी बात आपको बताएगा. आणि छोटा छोटा गोष्टी सांगतो. हमें जीवित रखने के लिए आम्हाला जिवंत ठेवना करता. आमेन 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 आमेन. परमेश्वर बात करता है. परमेश्वर बोलतो. उसकी योजनाएं बताता है. त्याच्या योजना सांगतो. आप उसकी योजनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं? तुम्ही त्याच्या योजना ऐकण्यासाठी तयार आहात का?
अरे हाँ कि नहीं, आमेन। योजना है बता रहा है, योजना संगत है, यह मेरी योजना नहीं है, यह माझी योजना नहीं, स्वर्गीय समर्थ परमेश्वर की योजना, स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर की योजना है। प्रभु छुपाता नहीं धर्मी व्यक्ति से, धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर लपवत नहीं, हर एक बात बताता है, प्रत्येक गोष्ट। सदोम और गमोरा को मारने जा रहे थे, सदोम और गमोरा मारला जाते हैं, आग का गंधक डालने जा रहे थे, गंधक टाकने साठी जाते हैं, लेकिन प्रभु बोला कि मैं अब्राहम को बताए शिवा नहीं करूंगा, पण प्रभु म्हटला मी अब्राहमला सांगितल्याशिवाय करणार, धर्मी व्यक्ति है अब्राहम, धर्मी व्यक्ति है अब्राहम, अब्राहम को बताए शिवा मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब्राहमला सांगितल्याशिवाय मी पुढे नहीं जाऊ, अब्राहम के पास में आया, अब्राहमकडे आला, उसने अपने दिल की बात बताई, अपने हृदय की गोष्ट, मैं सदोम और गमोरा को खत्म करने जा रहा हूं, सदोम और गमोरा संपूर्ण है, तो अब्राहम मध्यस्थी करता है, अब्राहम तिथे मध्यस्थी करता है, प्रभु अगर वहाँ प्रभु बोलता है कि 50 अगर व्यक्ति भी होगा ना उस धर्मी व्यक्ति में उसको छोड़ दूंगा, आणि जर ती तो 50 जरी व्यक्ति असेल तरी मी त्याला सोडून देईन, तो अब्राहम को बड़ा टेंशन आया, अब्राहमला टेंशन आला, कॉन्फिडेंट के साथ प्रभु बात कर रहा है, आत्मविश्वासाने प्रभु बोलत है, प्रभु बोला 50 व्यक्ति बता अभी छोड़ देता हूं, प्रभु म्हटला 50 व्यक्ति दाखव आता सोडतो, अब्राहम का कॉन्फिडेंस ढीला हो गया, आणि तेव्हा अब्राहमचा आत्मविश्वास थोड़ा सैल झाला, बोला प्रभु अगर 5 कम करेंगे तो, तो म्हटला प्रभु 5 कमी केले तर, 45 कर दिए तो, 45 केले तर, अच्छा बेटा 45 भी तूने गिन के बता दिए ना मैं इसको छोड़ दूंगा, चल 45 जरी तुम्हाला मोजून दाखवले मी सोडून देतो, ये तो बड़ी 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 बात हो गई, आता ही तो मोठी गोष्ट, प्रभु अगर 10 कम कर दिए और, प्रभु म्हटला अब्राहम म्हटला मी अजून 10 कमी केले तर, 30 व्यक्ति निकले तो, 30 व्यक्ति निघाले, तू मेरे को लिस्ट दे उसकी 30 व्यक्ति की, 30 व्यक्ति की वजह से पूरे सदोम को छोड़ दूंगा, तू मला त्या 30 व्यक्तींची यादी दे त्यांच्यासाठी मी सदोम गमोरा सोडेल, प्रभु अगर तू नाराज ना हो तो एक बात और कहूं, प्रभु तू नाराज नसील तर एक गोष्ट बोलू, 50 से 10 पे आ गया, 50 वरून 10 वर, प्रभु अगर 10 रहे तो, 10 राहिले तर, तू 10 की लिस्ट दे अभी छोड़ देता हूं, 10 ची यादी दे आता सोडतो, बाइबल कहती है, बाइबल सांगते 10 व्यक्ति भी धर्मी नहीं थे, 10 व्यक्ति पण धर्मी नव्हते, और लोट भी था वो भी नाटक कर रहा था, आणि लोट होता तो ही नाटक करत होता, धर्मी बनने का नाटक कर रहा, धर्मी बनायचं नाटक, वो धर्मी नहीं था, तो धर्मी नव्हता, धर्मी बनने का नाटक कर रहा है, धर्मी बनायचं नाटक, अगर वो धर्मी होता ना साहब तो परमेश्वर ने बोला था पीछे मुड़कर मत देख, वो नहीं देखता था, जर तो धर्मी असता परमेश्वर म्हटला मागे वळून पाहू नको तर त्यांनी पाहिलं नसतं, इसका मतलब निचार्थ ढोंगीपना कर रहा है, ढोंगीपना कर रहा है, कई बार मसीह जीवन ढोंगीपन का जीवन बन जाता है, बऱ्याचदा ख्रिस्ती जीवन ढोंगीपनाचं जीवन बनतं, ऊपर से सब अच्छे हैं, वरुण सगळं चांगलं, लेकिन अंदर सब कब्र में जैसा चीजें भरी वैसे भरा रहता है, पण आत्मध्ये कब्रांसारख्या गोष्टी भरलेल्या, अभी ईर्ष्याएं हैं, अजूनही ईर्ष्या आहे, रुसवा फुगवा है, अजूनही रुसवे फुगवे, झगड़े हैं, अजून भांडण, अभी भी गालों का फुगना है, अजून गाल फुगले, अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अजूनही समजूतदारपणा नाहीये, काय मसीह जीवन हमारा, काय आमचं ख्रिस्ती जीवन, क्या हमारी चाल है, काय आमची चाल है, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, आम्ही एकमेकाला क्षमा नहीं करू, हम प्रेम नहीं कर सकते, आम्ही प्रेम नहीं करू शकत, क्या हमारा मसीह जीवन, काय आमचं ख्रिस्ती जीवन, और हम कहते हैं हम प्रभु की आराधना करते हैं, आणि आम्ही म्हणतो आम्ही देवाची आराधना करतो, अगर खुदा ने बाप ने आज स्कैन किया हमारा तो हम कितने लोग धर्मी निकलेंगे यहां से, आणि आज जर परमेश्वर ने आमचं स्कैन केलं तर किती लोक धर्मी निघतील, पृथ्वी बिघड़ चुकी है, पृथ्वी बिघडलेली आहे, अभी भी झगड़े का स्वभाव है, अजूनही भांडणाचा स्वभाव, अभी भी रुसवा फुगवी है, अजूनही रुसवा फुगवाय, कोई समझदार पना नहीं है, समझदारपना नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझदारपना नहीं है, अरे अंडरस्टैंडिंग वाले बनना चाहिए हमें, समझदार बनायला पाहिजे आम्ही, हमें हमेशा हर एक चीज को सकारात्मक देखना है, आणि प्रत्येक गोष्टी सकारात्मक बघा, नकारात्मक नहीं देखना है, नकारात्मक बघू नका, हर बात को नकारात्मक मत बनाओ, प्रत्येक गोष्टीत नकारात्मक होऊ नका, नाही तर आमचं आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, नाही तर आमचं आत्मिक जीवन संपेल, हर चीज को देखो सकारात्मक, प्रत्येक गोष्ट सकारात्मक, और कहो आणि म्हणा ये चीज मेरे जीवन में हुई है मेरी भलाई के लिए और मुझे सिखाने के लिए, आणि ही गोष्ट माझ्या जीवनामध्ये झाली मला शिकवण्यासाठी माझ्या भलाईसाठी, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, माझा विश्वास वाढवण्यासाठी, शायद मेरा स्वभाव क्रोधी स्वभाव होगा, कदाचित माझा स्वभाव तापट असेल, शायद मेरा स्वभाव किसी की बात को मानने का नहीं होगा, कदाचित माझा स्वभाव कोणाच्या गोष्टी न ऐकण्याचा, खुदा बाप मेरे स्वभाव में काम कर रहा है, परमेश्वर माझ्या स्वभावात काम करत आहे, प्रभु को ना आपसे चमत्कार करने से ज्यादा इंटरेस्ट किस में मालूम है, प्रभुला तुमच्या जीवनामध्ये चमत्कार करण्यापेक्षा अधिक कशात इंटरेस्ट है, प्रभु को इंटरेस्ट नहीं है आप मरे को जिंते करो, परमेश्वराला इंटरेस्ट नहीं कि तुम्ही मेलेलांना जिवंत करा, आप लंगड़ों को भगाओ, तुम्ही लंगड़ांना, ये तो होने ही वाला है, तो होणार आहे, येशू के नाम से मृत्यु में जीवन आना ही है, येशूच्या नावात मृत्यु मध्ये जीवन यायलाच हवं, येशू ने कहा कि जो मैंने काम किया उससे बड़े काम तू करेगा, आणि येशू म्हणतो जी काम मी केले त्याच्यापेक्षा अधिक मोठे कार्य तुम्ही कराल, प्रभु को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, प्रभुला त्यात इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु को हम में इंटरेस्ट है, प्रभुला आमच्यामध्ये इंटरेस्ट, हमारे कैरेक्टर में इंटरेस्ट है, आमच्या स्वभावामध्ये इंटरेस्ट है, क्या मेरा कैरेक्टर कितना बदला है, माझा स्वभाव किती बदला, अरे वो भी लोग थे जो कहते प्रभु तेरे नाम से भूतों को निकाला,
आणि ते लोक होते ते म्हणत होते तुझ्या नावाने आम्ही भूते काढले, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तुझ्या नावाने भविष्यवाणी, तेरे नाम से ये किया वो किया, तुझ्या नावाने हे केलं ते केलं. खुदा बोलता मैं तुझे नहीं जानता. प्रभु तुम्ही नाही ओळखत तुला. क्यों नहीं जानता? का नाही ओळखत? क्योंकि अपने कैरेक्टर को अपनी चाल को ठीक नहीं रखा. कारण आपली आपला स्वभाव आपली चाल मेरे सामने से दूर हो, माझ्याकडून दूर हो. आखिर में ये बात हमें सुनने ना मिले, शेवटी आम्हाला असं ऐकायला मिळू नये. मेरी ये प्रार्थना है, माझी हीच प्रार्थना आहे. ये शब्द हमें सुनाई नहीं दे, ये शब्द आम्ही ऐकू नये. हमें ये शब्द सुनाई दे, आम्हाला हे ऐकायला पाहिजे. हे भला और विश्वासू दास याजा, तू इसका हकदार है. आणि भल्या आणि विश्वासू दासा, तू याचा हकदार आहे. कोई बात नहीं, चमत्कार नहीं हुआ. काय हरकत नहीं, चमत्कार नहीं. कोई बात नहीं, तेरे जीवन में से एक भी आत्मा को तूने नहीं लाया. काय नहीं, तुझे जीवनातून तू एक ही आत्मा नहीं. लेकिन खुदा के साथ में रहकर तूने अपने कैरेक्टर को ठीक रखकर सबसे बड़ा चमत्कार यही है. देवा सोबत राहून तू तुझा स्वभाव तुझा चाल चलणूक ठीक राखली, हेच सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तब हम जीवित रहेंगे, तरच आम्ही जीवंत राहू. सदोम और गमोरा में 10 आदमी नहीं है, सदोम आणि गमोरा 10 व्यक्ति नहीं है. अपनी चाल को बिगाड़ दिया, अपनी चाल को बिगाड़ दिया, आपले चाल चलणूक बिगड़ो. कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा? कौन देवाच्या डोंगरावर चढ़ेल? कौन परमेश्वर के तंबू में आएगा? कौन त्याच्या तंबू मध्ये येईल? जो 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 अपने खराई से चलता है, जो खरेपणाने चालतो. आप इसको भजन संहिता 15:1-5 में पढ़ सकते हैं. स्तोत्र संहिता 15:1-5 मध्ये वाचू. हनोक प्रभु के साथ चल रहा है, हनोक प्रभु सोबत चालत. 300 साल खुदा के साथ चला, 300 वर्ष परमेश्वरा सोबत चालला. 300 साल खुदा के साथ में चला, 300 वर्ष परमेश्वरा सोबत चालला. कैसी चाल, कशी चाल, कब कब, केवा केवा? साल के 365 दिन, वर्षाचे 365 दिवस प्रभु के साथ चल रहा है, देवा सोबत चाल. हमारा जीवन, आमचं जीवन प्रभु के साथ चलने का है, प्रभु सोबत चालण्याचं आहे. तब हम जीवित रह पाएंगे, आणि तेव्हाच आम्ही जीवंत राहू शकू. पड़ोसी को बोलना खुदा के साथ चलना है. कभी कभी कदा कधी कधी रोज रोज हाँ, जब पार्टी में जाओ, जब पार्टी जाल, जब मॉल में जाओ, मॉल मध्ये जाल, जब जब अन्य अन्य लोगों के साथ हमारी संगति हो, अन्य लोकांसोबत आमची संगति हो, हमारी चाल ठीक होना है. आमची चाल ठीक असा. नहीं बाबा, मैं नहीं लेता उसको, नहीं मी नहीं घेतला, मैं छूता भी नहीं उसको, मी त्याला शिवत पण मैं देखता भी नहीं उसको, मी पाहत पण नहीं. आज बुलाया, अगली बार मत बुलाना सर. आज बोलवलं, पुढच्या वेळी नका बोलू. और मैं आऊंगा भी नहीं, मी येणारही नहीं, क्योंकि मेरा जीवन अलग जीवन है. माझं जीवन वेगळं आहे. हम उनके जैसा नहीं होना है, आम्हाला त्यांच्या सारखं नाही व्हायचं. हमें उनको अपने जैसा करना है, त्यांना आपल्यासारखं करायचंय. मेरा येशू कहां पे वाढावा मालूम? माझा येशू ख्रिस्त कुठे वाढला माहिती आहे? नासरत शहर में. नासरत शहर, उसको नासरू कहा गया, त्याला नासरी म्हणतात. और नासरत शहर ऐसा है, नासरत शहर असं होतं. बाइबल कहती है नासरत शहर के विषय में, बाइबल नासरत शहराविषयी म्हणतं. नासरत शहर की पहचान क्या है? नासरत शहर शहराचं ओळख काय? नासरत शहर की पहचान इसमें से कभी उत्तम नहीं निकल सकता. आणि नासरत शहराची ओळख अशी आहे की त्यातून काहीच उत्तम निघू शकत नाही. लेकिन मेरा येशू, पण माझा येशू नासरत शहर में बड़ा हुआ, नासरत शहरात वाढला. बाइबल कहती है, बाइबल सांगत, वो नासरत शहर में बड़े होने के बाद भी, आणि नासरत शहरात वाढून देखील, वो निष्पाप रहा, तो निष्पाप राहिला. उसने एक भी गाली नहीं दिया, त्याने एक ही शिवीगाळ केली नाही. उस बाइबल कहती है, बाइबल सांगत, उसने और जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, तो शिवी ऐकून शिवी देत नव्हता. वो दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, आणि तो कुठली धमकी देत नव्हता. वो परमेश्वर के हाथों में था, तो परमेश्वराच्या हातात होता. हम गुस्से में क्या क्या बोल जाते हैं, आम्ही रागात काय काय बोलून जातो. नासरत शहर का वो बर्ता वो वातावरण है, मौसम है, आणि नासरत शहराचं असं वातावरण आहे. बोलते ना जहां पे हम रहते वहां की हवा लग जाती है, आणि आम्ही म्हणतो की जिथे राहतो त्याची हवा लागते. येशू को हवा नहीं लगी, येशूला नहीं हवा लागली, येशू ने हवा को बदल दिया. येशू ने हवा बदलली, वो हमारे ऊपर है, तो आमच्यावर आहे. हवा लगने देना या लगने देना, हवा लागू द्यायची का नाही द्यायची. हम कॉलेज में है, आम्ही कॉलेज मध्ये आहोत. कॉलेज की हवा लग रही है कि हमारी हवा लग रही है? कॉलेज ची हवा आम्हाला लागती का आमची हवा कॉलेजला लागती? हमें ऑफिस की पार्टी में बुलाया, आम्हाला ऑफिसच्या पार्टीला बोलवलं, वहां की हवा हमें लग रही है या हमारी हवा लग रही है? आम्हाला त्याची हवा लागते का आमची हवा त्यांना लागते? हमारी हवा शुद्ध और पवित्र करने वाली हवा, आमची हवा शुद्ध आणि पवित्र करणारी हवा आहे. और बाकी हवा मैला करने वाली, आणि बाकी हवा मैला करणार आहे. आपकी वजह से वहां का वातावरण बदल दे, तुमच्यामुळे त्या ठिकाणचं वातावरण बदलणार आहे. आपकी वजह से बदल दे, आणि तुमच्या वेळ तुमच्यामुळे प्रभु ते बदलणार आहे. चाल चाल को ठीक रखे, चाल चालणूक चांगली ठेवा. आमेन आमेन. समझ में आ रहा है?
धर्मी व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है, धर्मी व्यक्ति ला समझना फार गरजे और बाइबल कहती है, बाइबल मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहा, माझा धार्मिक मनुष्य विश्वासाने जगेल। और धर्मी व्यक्ति जो होता है ना, जो धर्मी व्यक्ति असतो वो कभी किसको बदनाम नहीं करता, तो कधीच कोणाची बदनामी करत नाही। मत्ते 1:19 मध्ये जब योसेफ को जब योसेफ ने देखा, जेव्हा योसेफाने पाहिलं, मरियम के पास में स्वर्गदूत आता है, मरियम कडे स्वर्गदूत येतो और प्रभु का उद्धार करता के बारे में बताता है, आणि प्रभूच्या उद्धार करता विषयी सांगतो। इसकी मंगनी हो चुकी थी आणि हिच मागणी झालेली होती मरियम के साथ में, मरिये सोबत योसेफ की मगनी हो चुकी, योसेफ अच्छी मगनी झाली होती। सुनिए, ऐका, जब योसेफ को पता चला, जब योसेफला कळालं, तो कितना उसने बात करना था, तेव्हा त्यांनी किती बोलायला हवं होतं, लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल सांगते, योसेफ उसको बदनाम नहीं करना, योसेफला तिला बदनाम करण्याची इच्छा नव्हती। धर्मी व्यक्ति कभी किसी को बदनाम नहीं करता, धार्मिक मनुष्य कभी कोणाला बदनाम करत नहीं, कुछ भी हो जाए, काही होऊ दे। अब इसकी इज्जत जाने वाली थी, आता इज्जत ह्याची जाणार होती, क्योंकि उसके साथ मंगनी हो चुकी थी, कारण तिच्या सोबत मागणी झाली होती, फिर भी उसने इसके ऊपर पर्दा डाला, तरी देखील त्याने त्याच्यावरती पर्दा टाकला। अब विचार कीजिए, विचार करण्याची गोष्ट आहे, अगर वहां पे कोई और व्यक्ति होता, जर तिथे कोणी दुसरा व्यक्ति असता, क्या सोचता और क्या बोलता, तो काय विचार केला असता आणि काय बोलला असता, मुझे नहीं पता था, बाप रे ये ऐसा ऐसा औरत निकलेगी, मला नव्हतं माहिती अशी निघेल, सबके बोंब मारता फिरता था, सगळीकडे ओरडत फिरला असता। धर्मी व्यक्ति कभी ही बोम नहीं मारता, धर्मी व्यक्ति कभी चोरडत फिरत नहीं, धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता, तो धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करतो, कभी भी किसी को बदनाम नहीं, कभीच कोणाला बदनाम करू नका। नहीं मालूम है ना, नहीं माहिती ना, अपने मुंह को बंद रखना, तोंड बंद ठेवा, हमें कुछ पता नहीं होता, आम्हाला माहित नसतं काही, लंबी चौड़ी लिस्ट बना देते, बाकी मोठी यादी बनवतो, कुछ नहीं मालूम, काय माहित नहीं, हमारे विचारों की कल्पनाओं से हम लोगों की लिस्ट बना देते, आणि आम्ही विचारांच्या कल्पनांनी लोकांची यादी बनवतो, बदनाम करना शुरू कर देते, आणि बदनाम करायला सुरुवात, कभी भी किसी को भी नाम नहीं रखना, कधीच कोणाला नाव ठेवू नका। आपको मालूम नहीं कि क्या चल रहा है, तुम्हाला नाही माहिती की काय चाललंय, आपको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, तुम्हाला नाही माहिती की काय होत आहे, थोड़ा सा सुनते हैं, तुम्ही थोड़ा सा ऐकता और इतना बड़ा बना देते, आणि मोठं वाढवता, आप पहले नजदीक आए, पहले जवळ या, अंदर आए, आत या, तब आपको सब बातें सच्चाई की पता, तुम्हाला खरेपणा कळेल, किसी की बात सुनकर उसको उसका वैसा चित्र ना दे, कोणाचे ऐकून तसं चित्र करू नका। इसने तो सुना था, यानी तो ऐकलं होतं, सुना नहीं था, इसके जीवन में वो बात होने वाली थी, आणि ऐकलंच नाही नुसतं तर त्याच्या जीवनामध्ये ते घडणार, की मरियम उसके होने वाली पत्नी थी, कारण की मरियम ती जी त्याची होणारी पत्नी होती, अपनी पत्नी के बारे में अगर कोई ऐसा सुनेगा, आणि आपल्या पत्नी विषयी होणाऱ्या कोणी असं ऐकलं, सब जगह फैला देगा, तर सगळीकडे तो सांगत सुटला असता, लेकिन उसने बदनाम नहीं करना, पण त्यांनी बदनाम केलं नाही। सुनिए, ऐका, धर्मी व्यक्ति का गुण है, धर्मी व्यक्तीचा गुण आहे, वो कभी किसको बदनाम नहीं, तो कधीच कोणाला बदनाम करत नाही, वो विश्वास करता है, तो विश्वास ठेवतो, विश्वास करता है, विश्वास ठेवतो, वो परखता है, तो परखतो, अंदर जाके बातों को मालूम करता है, आत्मदे जाऊन गोष्टी जाणून घेतो, उसके बाद में वो फैसला लेता है, नंतर तो निर्णय घेतो, जीवित रहना है, जीवंत राहायचं, आमेन। मेरे को लगता नहीं समझ में आया दादा किसका, आइए प्रार्थना करें फिर, और कभी अपने को धर्मी नहीं ठहराना, स्वतःला धार्मिक ठरवू नका, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं फार धर्मी है, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं फार धर्मी। बाइबल कहते हैं कि यीशु ने खुद को धर्मी ठहरा रहे थे कुछ लोग, यीशु ने जब देखा, जब लोग खुद को धर्मी ठहरा रहे थे, यीशु ने जब पाया लेकिन लोग स्वतःला धार्मिक ठरवत होते, प्रभु ने एक दृष्टांत कहा, प्रभु ने एक दृष्टांत सांगितलं, जो लोग धर्मी देख रहे थे खुद को, जे स्वतःला धर्मी समजत होते, हर संडे चर्च में आना धर्मीपणा नहीं है, प्रत्येक रविवारी चर्चला येणं धर्मीपणा नाहीये। सुनिए, ऐका, हमारे जीवन एक धर्मी जीवन, आमचं जीवन एक धर्मी जीवन असायला पाहिजे। एक व्यक्ती जा रहा था, एक व्यक्ती जात होता यरुशलम से यरिहो की ओर, यरुशलेमतून यरिहो कडे, उसको मारा, त्याला मारलं, डाकूने मारा, डाकूंनी मारलं, अधमेरा हो गया, तो अधमरा झाला, और वहां से एक याजक गया, आणि तिथून एक याजक गेला, लेवी गेला, उसकी ओर देखा, त्याच्याकडे पाहिलं, लेकिन उसको ठीक नहीं किया, पण त्याला ठीक नहीं केलं, एक शमरोनी व्यक्ति जा रहा है, एक शमरोनी व्यक्ति जा रहा है, जो प्रभु को नहीं जानता, जो प्रभुला नाही ओळखत, और उसने देखा, तो त्यांनी पाहिलं, उसको रुका, तो थांबला, उसको उसको उसकी मदद की, त्याची मदद केली। बाइबल कहती है, बाइबल सांगतं, जो रुकता है, जो थांबतो, जो रुकता है, जो थांबतो, जो मदद करता है, जो मदद करतो, वो धर्मी व्यक्ति, तो धर्मी व्यक्ति है।
खुद को धर्मी व्यक्ति नहीं कहना, स्वतःला धार्मिक व्यक्ति म्हणू नका, औरों को कभी तुच्छ नहीं जानना, आणि इतरांना कोणी तुच्छ मानू नका। कभी कभी बहुत बार हम तुच्छ समझते हैं, बऱ्याचदा आम्ही लोकांना तुच्छ मानतो, कभी तुच्छ नहीं समझना, कोणाला तुच्छ मानू नका। आपको मालूम नहीं कि आपके बाजू वाले का प्रभु के साथ में कैसा रिलेशन है, तुम्हाला माहित नाही की तुमच्या बाजू वाल्याचं प्रभु सोबत चे नाते संबंध कसे आहेत, शायद वो आता भी ना होगा प्रार्थना में, कदाचित तो प्रार्थना नाही येत नसेल, लेकिन प्रभु के साथ में उसका रिलेशन बहुत अच्छा, प्रभु सोबत त्याचा रिलेशन फार चांगला, इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना, म्हणून कधी कुठल्याही व्यक्तीला तुच्छ मानू नका, कभी किसी व्यक्ति को नाम नहीं रखना, कधी कोणाला नाव ठेवू नका, कभी किसी व्यक्ति को उंगली नहीं दिखाना, कधी कोणाला बोट दाखवू नका, तुच्छ नहीं समझना, कभी तुच्छ समजू नका। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। आमेन। अली 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 शिबा और जकरिया, बाइबल कहती है बाइबल परमेश्वर के सामने दोनों निर्दोष थे, परमेश्वर समोर दोघ निर्दोष होते। कब क्यों निर्दोष थे, का निर्दोष होते, क्योंकि वो विधि और नियमों पे चलते थे, कारण कि ते विधि आणि नियमांवर चालत होते। आमेन। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, माझ्या भाव बहिणींनो, हम प्रभु की नजर में धर्मी बने, आम्ही देवाच्या नजरेत धार्मिक बनो। जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो धर्मी व्यक्ति असतो, प्रभु उसको दर्शन देगा, प्रभु त्याला दर्शन देईल, प्रभु उसको गहरी बातें बताएगा, प्रभु त्याला गहन गोष्टी सांगेल। धर्मी व्यक्ति हमेशा बना रहेगा, धर्मी व्यक्ति नेहमी बनून राहील, धर्मी व्यक्ति का सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा, आणि धर्मी व्यक्ति नेहमी उंच केला जाईल, और धर्मी व्यक्ति को धर्म का मुकुट उसके ऊपर रखा जाएगा, धर्मी व्यक्ति वरती धार्मिकतेचा मुकुट ठेवला जाईल। सुनिए, ऐका, परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है, परमेश्वर धर्मी लोकांच्या मध्ये निरंतर राहतो, हमेशा परमेश्वर उनके साथ में रहता, आणि नेहमी परमेश्वर त्यांच्या सोबत राहतो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर हमेशा लगी रहती है, यहोवाचे नेत्र धर्मीवर नेहमी लागून असतात, उसके कान त्याचे कान उसकी प्रार्थना में हमेशा त्यांच्या प्रार्थनांकडे लागलेले असतात। सुनिए, ऐका, धर्मी व्यक्ति के और परमेश्वर की नजरें हमेशा बनी रहती है, धर्मी व्यक्ति वरती परमेश्वरांचा नजरा नेहमी लागलेला, उसकी प्रार्थना पर हमेशा प्रभु के कान लगे रहते, प्रार्थनांकडे नेहमी परमेश्वराचे कान लागून, ये धर्मी व्यक्ति के का प्रतिफल है, आणि हे धर्मीपणाचं प्रतिफल, और जो धर्मी व्यक्ति है, आणि जे धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता, परमेश्वर त्यांना सर्व विपत्तींपासून सोडवतो, प्रभु उसको संभालता, प्रभु त्यांना सांभाळतो। आमेन। आमेन। ये धर्मी जन के प्रतिफल है, आणि हे धार्मिकतेची प्रतिफळ आहे। प्रभु कहता है, प्रभु म्हणतो, धर्मी व्यक्ति कभी टलेगा नहीं, धार्मिक मनुष्य कधीच टळणार नाही, धर्मी व्यक्ति कभी टलेगा नहीं, धार्मिक मनुष्य कधीच टळणार नाही, धर्मी व्यक्ति हमेशा पृथ्वी पर बना रहेगा, धर्मी व्यक्ति नेहमी पृथ्वीवरती बनून राहील, उसको कोई हिला नहीं सकता, त्याला कोणी हलवू शकत नाही, उसको कोई गिरा नहीं सकता, कोणी पाडू शकत नाही, धर्मी व्यक्ति के पैर हमेशा मजबूत खड़े रहते हैं, धर्मी व्यक्ति चे पाय नेहमी मजबूत उभे राहतात, और वो पृथ्वी का अधिकारी बना, आणि ते पृथ्वीचे अधिकारी होतात। सुनिए, ऐका, धर्मी फुलेंगे और फलेंगे, धर्मी व्यक्ति फुलणार फळणार आहे। सुनिए, ऐका, धर्मी लोग खजूर की नाई फुलेंगे और फलेंगे, धर्मी व्यक्ति खजूरा समान फुलणार आणि फळणार आहे, धर्मी व्यक्ति ज्योति के समान चमकेंगे, धर्मी व्यक्ति ज्योति समान चमकणार आहे, और धर्मी व्यक्तियों के तंबुओं में हमेशा जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी, धर्मी व्यक्तींच्या तंबू मध्ये नेहमी जय जयकार ध्वनी ऐकू येणार आहे, जे धर्मी व्यक्ति के घर के अंदर, धर्मी व्यक्तीच्या घरांमध्ये हमेशा नेहमी जय जयकार की ध्वनी सुनाई देगी, जय जयकार ऐकायला मिळणार आहे, बाकी लोगों के घर की ध्वनि रोने की ध्वनि है, बाकी घर लोकांच्या घराची ध्वनि रडण्याची आहे, कराने की ध्वनि है, आणि त्रासाची आहे, लेकिन धर्मी व्यक्ति के घर के अंदर जय जयकार की ध्वनि हमेशा सुनाई देगी, धर्मी व्यक्तीच्या घरामध्ये नेहमी जय जयकाराची ध्वनि ऐकायला येणार आहे। आमेन। आमेन। और धर्मी व्यक्ति जो है, जो धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर उससे प्यार करता, परमेश्वर जो प्रेम करतो, वो हमेशा प्रभु के निकट रहता, तो नेहमी परमेश्वर निकट रहा, धर्मी व्यक्ति सूर्य के समान चमकेगा, धर्मी व्यक्ति सूर्य समान चमकणार आहे। आमेन। 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 ये धर्मी व्यक्ति के फल, आणि हेच धार्मिकतेचे फळ आहे। ये कोण ठरवला हमें धर्मी, हे कोणी ठरवलं आम्हाला धर्मी, यहोवाने हमें धर्मी ठरवला, यहोवाने आम्हाला धर्मी ठरवलंय, उसके लहू ने हमें धर्मी ठहराया, त्याच्या रक्ताने आम्हाला धर्मी ठरवलंय, येशू के नाम में हम धर्मी हैं, येशूच्या नावात आम्ही धर्मी आहोत। आमेन। आमेन। मैं आपसे कहता हूं, मी तुम्हाला सांगतो, परमेश्वर का जन्म, परमेश्वराचा जन्म, धर्मी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति हमेशा नेहमी जीवित रहे, जीवंत राहणार, जीवित राहेगा, जीवंत राहील, प्रभु मरने नहीं देगा, प्रभु मरू नहीं देणार, हमारा सांस को घुटने नहीं देगा, आमचा दम घुटू देणार नहीं, प्रभु हमें खड़ा रखेगा, प्रभु आम्हाला उभे करेल, कि हम धर्मी व्यक्ति बनना चाहेंगे, आम्हाला धर्मी व्यक्ति बनायचं का, हम जीवित रहना चाहते हैं, आम्हाला जीवंत राहायचं का। बहुत बार परिस्थितियां मार देती है, बऱ्याचदा परिस्थितिया आम्हाला मारून टाकतात, हमारा दम घुट देती है, आमचा दम घुटतो,
तो आइए ऐसी सब बातें जो हमें मारने के लिए आती है, या मग अशा सर्व गोष्टी ज्या आम्हाला मारण्या करता येतात, आज से कह दे, आज त्यांना म्हणूया, आज से कह दे, आज त्यांना म्हणूया, मी विश्वास से जीवित राहू, मी विश्वासाने जिवंत राहीन. आमेन. आइए खड़े हो जाए, या आपण उभे राहूया. आइए उस धार्मिकता के झीलम को पहन ले, आइए अपनी आंखों को बंद करें, आपले नेत्र बंद करूया, खुदा की ओर अपनी नजरों को लगाएं, आणि देवाकडे आपले नेत्र लावूयात, और धार्मिकता की झीलम जो है उसको पहन ले आज, ये धार्मिकतेचं वस्त्र ते आज घालूया, धार्मिकतेचं उरस्त्राण, धार्मिकतेचं उरस्त्राण हम उसको पहन ले आज, ते आज आम्ही घालूया. धार्मिकता का जो झीलम है उसको छाती पर पहना जाता है, धार्मिकतेचं जे उरस्त्राण आहे ते छातीवर घातलं जातं, और छाती में एक हृदय है, दिल है, आणि त्या छाती मध्ये हृदय आहे, इसलिए बाइबल कहती है, म्हणून बाइबल सांगतं, सब रक्षणीय वस्तुओं से ज्यादा अपने हृदय को रक्षण कर, सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा आपल्या हृदयाचं विशेष रक्षण कर, क्योंकि इसमें जीवन है, कारण त्याच्यात जीवन है, जीवन का मतलब है जीवित रखना, जीवन याचा अर्थ जीवंत असणं, अंतकरण वो केंद्र बिंदु है, आणि अंतकरण ते केंद्र बिंदु आहे जो हमें जीवित रखेगा, जो आम्हाला जीवंत ठेवेल, अगर हृदय की धड़कन बंद हो गई तो हम मर जाएंगे, हृदयाचं हालणं जर थांबलं तर आम्ही मरून जाऊ, इसलिए धार्मिकता के झिलम पहनना है, आणि म्हणून धार्मिकतेचं उरस्त्राण घालायचं, ऐसे कोई भी विचार अंदर आने नहीं देना है, असं कुठलेही विचार आतमध्ये येऊ नाही द्यायचे, जो हमारे धार्मिकपणा को खराब कर दे, जे आमचे धार्मिकपणा खराब करतील, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, माझा नीतिमान विश्वासाने जगेल, वह बात पर विश्वास रखेगा, तो प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवेल, उसका प्रभु उसके साथ में ही उसका विश्वास है, त्याचा प्रभु त्याच्या सोबत आहे त्याचा विश्वास है, वो मुझे जिलाएगा, तो मला जिवंत राखेल, वो मुझे मरने नहीं देगा, तो मला मरू देणार नाही, भले मैं आग में चले जाऊं, भले मी आगीत जाऊ, भले वो आग की जो जो, जो भट्टी है वो कितने भी पट आग की लपेट में क्यों ना आ जाए, मग ती आगीची भट्टी कितीही पट तापली, अगर मैं उसमें गया भी, आणि जर मी त्यात गेलो, मेरा खुदा मेरे साथ रहेगा, माझा प्रभु माझ्या सोबत राहील, अगर भूखे सिंहों के बीच में भी अगर मैं चला जाऊं, आणि भूकेला सिंहां समोर जरी मी गेलो, सिंहों के मुंह बंद हो जाएंगे, त्या सिंहांचे तोंड बंद होतील, मुझे कोई इजा नहीं कर सकता, मला कोणी इजा करू शकत नाही, क्योंकि धर्मियों के साथ में परमेश्वर रहता, कारण धार्मिक लोकांसोबत परमेश्वर राहतो, आइए हम जीना सीखे, या आपण जगायला शिकूया, उस जंगल की यात्रा में जीना सीखे, त्या जंगलाच्या प्रवासामध्ये जगण्यास शिकूया, जंगल जो वीरान है, जंगल जहां पर बहुत सारे जंगली प्राणी हानि करने वाले प्राणी है, जंगल जहां पर रास्ता नहीं है, जंगल जहां पर पूरी तरह से वीरान असा है, आणि जंगल जे अतिशय वीरान आहे, त्याच्यात जंगली जनावर आहेत, आणि कुठलेही जीवन नाहीये, मार्ग नहीं है, मार्ग नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, जेवण नहीं है, पता नहीं कहां कौन किस मार्ग से जाना है, माहित नाही कोणत्या मार्गाने जाव, ऐसे जंगल की यात्रा है, अशा जंगलाचा प्रवास, लेकिन बाइबल कहती है, पण बाइबल सांगतो, अग्निस्तंभ और मेघस्तंभ बनकर प्रभु उनके साथ में रहा, अग्निस्तंभ आणि मेघस्तंभ बनून परमेश्वर त्यांच्या सोबत राहिला, प्रभु आमच्या नावाला धन्यवाद देतो, नीतिमान मनुष्य विश्वासाने जगेल, प्रभु आज ती धार्मिकता तुझ्या कृपेनं तुझ्या दयेनं तू आम्हाला दिली प्रभूजी, बापा ती धार्मिकता आम्ही परिधान करावी प्रभु, आमच्या जीवनाच्या प्रत्येक प्रसंगांमध्ये आम्ही कुठलीही तडजोड करू नये परमेश्वरा,
तर प्रभू प्रत्येक वेळेला तुला प्रथम स्थान देऊन आम्ही पुढे आणि पुढे विश्वासामध्ये चालावं प्रभू. आम्हाला दमू देऊ नको, आम्हाला थकू देऊ नको बापा, आमचा दम घुटू देऊ नको परमेश्वरा. तर प्रभू तू आम्हाला सावरून धर, तुझ्या उजव्या हाताने तू आम्हाला सावरून धर परमेश्वरा. आम्ही तुझ्या हातामध्ये आहोत तसं पडतो प्रभूजी आणि म्हणतो प्रभू तू आमची धार्मिकता आहेस प्रभूजी, ती टिकवून ठेवण्यासाठी तू आम्हाला कृपा पुरव प्रभूजी. आम्ही आमचं वेगळे पण राखावं प्रभूजी, असं स्तुया दयनीन कृपेने कर पित्या. धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो आणि प्रार्थना आम्ही येशूच्याच नावात करतो म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन.